मंटू साहब, हो गई मंटू साहब? हाँ, हो गई। कहा सुनोगे? सुनाइए। उन्वान है सिया हाशी। सुनो फिर। मैंने उसकी शारक पर छुरी रखी, हौले हौले फेरी और उसको हलाल कर दिया। ये क्या किया तुमने? क्यों इसे हलाल क्यों किया? मजा आता है इस तरह? मजा आता है कि बच्चे, इसे झटका करना चाहिए था। और हलाल करने वाले की गर्दन का झटका हो गया। हुजूम ने रुख बदला और सर गंगा राम के बुत की तरफ चल पड़ा। लाठियां बरसाई गईं और पत्थर फेंके गए। एक ने मुंह पर तार कोल मल दिया, दूसरों ने बहुत से पुराने जूते जमा किए और उनका हार बनाकर बुध के गले में डालने के लिए आगे बढ़ा। मगर पुलिस आ गई, गोलियां चलना शुरू हो गईं, जूतों का हार पहनाने वाला जख्मी हो गया। चुनांचे मरहम पट्टी के लिए उसे सर गंगाराम अस्पताल पहुंचा दिया। बिग इंप्रूवमेंट। और रिपोर्ट सही है? मेरा ख्याल है इलेक्ट्रिक शॉक्स की जरूरत नहीं है। आई मीन दिस व्हाट द रिपोर्ट सेज एक्चुअली। सर सर, मंटू जी नई कहानी सुना रहे मरीजों को? दिमागी मरीजों को कहानियां सुनाई जा रही हैं, और वो भी मंटू साहब की? सर ये तो सिर्फ कहानियों पे मुनहसर है। जहां तक हमें पता है, वो अमेरिका के खिलाफ एक खत भी लिख रहे हैं अंकल सैम के नाम। ओ भाई, इसकी इजाजत नहीं है। सिर्फ फैमिली मेंबर्स को लिख सकते हैं, और वो भी ऑफिस से क्लियरेंस लेके। सर, और वो भी हफ्ते में सिर्फ एक बार। तलाशी ले जी। अरे बंदा बन, तलाशी की जरूरत नहीं है, बस नजर रखा करो। ठीक है सर। खास मरीज हैं, मैं उनकी डोज बढ़ा देता हूँ ताकि ज्यादातर वक्त सोते रहें और कहानियां लिखने का मौका भी ना मिले। ग्रेट आइडिया, डन। अरे वो कभी तरक्की पसंद तहरीक का हिस्सा हुआ करता था, फिर बदल गया। इंकलाब की खिदमत करने के बजाय फौज नवीसी कर रहा है। उसकी इसी वजह से तरक्की पसंद तहरीक बदनाम हो रही है। बदनाम तो वो लोग होते हैं जो नेक नाम हो। आप लोगों ने क्या नाम कमाया है? मंटू, कब था आपकी तहरीक का हिस्सा? सर, शुरुआत तो उसने रूसी अदब के तराजम से की थी। वो सोशलिस्ट बारी अली का शागिर्द कहलाता था। जैसा उस्ताद वैसा शागिर्द। खैर, हम तो ऐसे मौका परस्त और रुजत पसंदों का बायकॉट करने का फैसला कर चुके। वजी, वैसे मंटो साहब अभी वहीं हैं मेंटल हॉस्पिटल में? हाँ, फिलहाल तो वहीं हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो? वजी, उनका कुछ सामान मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं सोचा था कि वहीं भिजवा दूँ। पागल हुए हो इलाही बख्श? अरे इसी लानत से बचाने के लिए तो उसे वहाँ दाखिल कराया। तू वहाँ बोतल पहुँचाएगा? जी मैंने तो सोचा था ऐसी बहाने कुछ हाल अहवाल भी कर लूंगा। ये तो अशर है जनाब। तेरे मुखड़े दा काला काला तिलवे, मेरा कड़ के ले गया दिल।
वे मुंडे असे आल कोटिया। बस उस्ताद हो रहा दे छुट्टी जदे पान भड़ा। हाय मैडम जी, पान तो यहीं पड़े हैं, जब उस्ताद जी कहेंगे तो पेश कर दूंगा। हुन उस्ताद जी दा हुक्म चलेगा। खाना हो जाए तो खा लेना बेबी। मेरा नशा टूट रहा है उस्ताद जी, मैंने पान चाहिए देने। तुसी रिहर्सल करानी कि नहीं? क्या बात है बेबी, शौकत साहब से फिर झगड़ा हो गया? तो मामूल की बात है फिरोज साहब, बड़ा चक्के और हासिद इंसान है। मेरे पीछे जासूस छोड़े हुए उसने, खुद एक नंबर का ठरकी है। क्या नाम है उस एक्स्ट्रा लड़की का? हाय मैडम जी, निगत। हाँ निगत, जब मैं दोनों फड़ लिया ना, मैं और दुर्गत करने की याद करेंगे। मैं तो बेचारे उस मंटो के बारे में सोच रही हूँ, उसकी संग दिल बीवी ने उसे पागलखाने में दाखिल करा दिया। मंटो के साथ जाती हुई है, मंटो में बहुत सी कमजोरी है लेकिन दिमाग का बड़ा तेज है, पागल नहीं हो सकता। बद दिमाग है, मुझसे तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता। बद दिमाग लोगों को अगर पागल खाने में डालने लग गए तो आधी इंडस्ट्री खाली हो जाएगी। क्यों, बाकी की आधी इंडस्ट्री तहजीब वाली है? पास लोग कंट्रोल कर लेते हैं ना, मौका महल देख। हाँ यही तो एक बात है मंटो में, जो है जैसा है सबके सामने है। मैंने तो कहा था शौकत से फिल्म की स्क्रिप्ट लिखवा लो, उसकी बददमागी शायद थोड़ी कम हो जाए। भाई उसकी पहली फिल्म ऐसी फ्लॉप हुई है, कोई रिस्क लेने को तैयार ही नहीं है। कि मैंने तो सुना है बम्बई में उसकी मिर्जा गालिब बहुत हिट हुई है। भाई बम्बई बम्बई है, लाहौर लाहौर है। क्या जरूरत थी उसे बम्बई से यहाँ आने की? इस पार्टीशन ने तो बड़े बड़ों को आसमान से उठा के जमीन पे पटक दिया। हाँ और बहुत सो को पाताल से उठाकर आसमान पर ला के खड़ा कर दिया। कैसी तबीयत है आपकी? देख नहीं रही। डॉक्टर कह रहे थे बहुत बेहतरी है अब। हम जान दवा वगैरह तो ले रहे हैं ना बाकायदगी से। बच्चियां कैसी? अच्छी है, बहुत याद करती हैं आपको। मैं भी बहुत याद करता हूँ बच्चियों। साथ साथ आपको पता है ये फैसला हमने कितनी मजबूरी में किया, आपकी बेहतरी के लिए। मैं नहीं संभाल सकती थी आपको भी बच्चों को भी। एक दिन इस फैसले के लिए आप हमारे शुक्रगुजार होंगे। मेरे दिन जल्द ही आएंगे। मैंने किया है क्यों मुझसे खफा है तू। मंटू साहब की गाड़ी एक बार फिर चेक कर लीजिए सर, फिर कहीं को मसाना खड़ा हो जाए। अब उनकी हर कहानी पर तो मुकदमा बनने से रहा, और ये तो फसादात के बारे में एक कहानी है, दिल पकड़ने वाली। ठंडा गोश्त भी तो फसादात के बारे में थी सर। वो कोई और मौजू था, एक वैशी जट की कहानी थी वो। मगर शिकार बनने वाले किस मजहब से हैं और शिकार होने वाले किस मजहब से, ये भी तो देखते हैं प्रेस ब्रांच वाले। तू मुझे चौधरी मोहम्मद हुसैन का कोई कारिंदा लगता है, जिसकी ज़िंदगी का मकसद मंटो को मुकदमात में घसीटना और उसे रुसवा करना है। वो तो अजीब बस्ती है सर, सुना है ऐसे ऐसे मतलब निकालते हैं शायरी और अफसानों से कि लोग दंग रह जाते हैं। खैर इन दोनों तो वो बीमार हैं, चलो जाओ काम करो। खुदा बख्श, मुझे फख्र है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इन नासिर को बेनकाब करने में गुजारी है। बिल्कुल जी चौधरी साहब जी, वही नासूरों में से एक नासूर है ना जी, वो सादत हसन मंटो, इन दिनों जी पागल खाने के खाक छान रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी साहब जी आपने बड़ा ही कोई नेक काम किया जी, अल्लाह आपको उसका अजर देगा जी। खुदा बख्श, ये महज काम नहीं, जहाद जहाद खुदा बख्श। अदब और आज़ादी इजहार के नाम पर
गंदगी फैलाने वालों के आगे शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े होना होगा। बोलो, खड़े होगे ना? चौधरी साहब, इंशाल्लाह जी, आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें जी। ये मंटो जैसे कम्युनिस्टों को, अफाश नवीसों को और पाकिस्तान के दुश्मनों को, इन सब का जी हम सफाया करके रहेंगे जी। खत्म हो गई बात इधर, बस जी दवाई का टाइम हो गया। भैया पुत्र बैठ जा, आ जा, आ जा। अच्छा मामा जी, बच्चियां सुन रही हैं। तुम क्या समझती हो, बच्चियां नहीं जानती कि उनका बाप उनके लिए किताबें और खिलौने लाने के बजाय शराब की बोतलें घर भी लेकर आता, फोन की उल्टियां करता है। अरे आप आ गई आपा? हाँ आ गई। साथ भाई कैसे हैं आप? बेहतर है। वाह मेरे मौला, दोनों बेटियां एक ही घर में ब्याही, लेकिन एक का नसीब कैसा और दूसरी को कैसा। क्यों याद कर कर के रोता है उसे? भूल इस सब बेवफाओं, वफाशार बीवियां नहीं हो। अगर इस दुनिया में वफा नाम की कोई शय पा तो उसे वीरानों में खराबों में तलाश कर। मैं खानों और कोठों पे मिलेगी तुझे। तुम यहां बैठे हो, मैं सारे अस्पताल में तुम्हें देख के आया हूं। देखिए मसूर साहब, जो काम मैं यहाँ कर रहा था वो महज मेरी नौकरी नहीं थी, वो मेरा मिशन था और है। हम जानते हैं कि आपका मिशन हमारे मिशन को नाकाम बनाना है। इस्मत और मंटो के फर्श तहरीरें पूरे मुल्क में फैलाना, इस्मत फरोशी और जिनसी तहरीरों की तशहीर करना, तो यही है आपका मिशन। वो गंदगी से नहीं, गंदगी में धंसे इंसानों से हमदर्दी जताते हैं। सुनाया अपने शुमारे के खास नंबर में जो अभी निकलने वाला है, अगर आपने वो तरीरे उस शुमारे से नहीं निकाली तो फिर आप एक नए मुकदमे के लिए अपने आप को तैयार कर लें। चौधरी साहब, आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दें। हाँ जी, ते फिर इस वारे की लिखी है मंटू ने है। हाय मैडम जी, बहुत खुलम खुला लिखा मंटू साहब ने ताड़ी ले। लिख देने नूरे जहां उन दिनों फिल्म में लोगों के लिए एक फितना थी, कयामत थी, लेकिन मुझे उसकी शक्लो सूरत में ऐसी कोई चीज नजर ना आई।
एक फकत आवाज ही उसकी कयामत खेज थी। इतनी साफ शफाफ आवाज, मुर्खियां इतनी वाजिया, खरज इतना हमबार, पंचम इतना नोकीला। मैंने सोचा अगर ये लड़की चाहे तो घंटों एक ही सुर पर खड़ी रह सकती है, उसी तरह जिस तरह कोई बाजीगर बगैर किसी लग्जिश के रस्से पर खड़ा रहता है। वाह भाई, सुर शनास तो है ये शख्स, मगर हुसन शनास नहीं। बड़ा कमबख्त है ये मंटो, किसी चीज का लिहाज नहीं रखता, सब साफ साफ कह देता है। हाय मैडम जी, आगे और भी बकवास की है। खबरदार मंटो के लिखे को बकवास का, बकवास ही सही लेकिन प्यार है, सच्चाई है, नहीं? मैडम जी ये फूल आए। खुद चल के आए या कोई लेकर आया है? वही तो नहीं है? वही जो रोज फूल लेकर आते हैं मैडम जी। हाँ, जेड़ा रोज शाह नूर दबा खलोता होता है। जी जी वही वही। बैठा? बाहर खड़े है मैडम जी। खड़ा रहा आपको डॉक्टर साहब ने अंदर बुलाया है, चले आप भी हैं, आए। आपकी बात और है। आपको ये बेबस और मजबूर लोग खतरनाक लगते हैं डॉक्टर साहब। ये आपके अफसानों के किरदार नहीं, जीते जागते इंसान हैं। इसीलिए आप इन जीते जागते इंसानों को सुलाने की कोशिश करते रहते। क्या मतलब? मतलब ये जो नींद के इंजेक्शन भर भर के लगाते हैं, आपका क्या ख्याल है ये उनके रोग का इलाज है? किधर जा रहे तू? इधर आ, तुझे ठीक। हम सब मरीज हैं, मुजरिम नहीं। मुजरिमों वाला सलूक किया जाता है हमारे साथ। ये 1912 के लूनेसी एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अपने पे किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ हम सबको एहतजाज करना होगा। मंटो साहब जिंदाबाद। मंटो साहब जिंदाबाद। सर, सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। तो फिर इनको उकसाने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, मंटो। बिल्कुल सर, और उसको हम उस तरह ट्रीट भी नहीं कर सकते जिस तरह हम बाकियों को ट्रीट करते हैं। उसके हल्का अहबाब में काफी बाअसर लोग हैं, वकीलों पर भी उसका काफी असर है। मैं इसी बात पर डर रहा हूँ, हमारे बारे में कहानियां ना लिखनी शुरू कर। सर, माय हम्बल सजेशन टू यू इज लेट्स रिलीज हिम। रिलीज? सर, मैं डिस्चार्ज के लिए लेटर बना देता हूँ। उसकी बीवी से कहिए कि वो तंदुरुस्त है और अब घर जा सकता है। ओके। एम एस साहब, यहाँ मेरे दोस्तों को कोई तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर मेरे दोस्तों के साथ कोई बुरा सलूक किया गया तो मैं अपने कलम और अपनी जबान दोनों से उनका दिफा करूँ, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे कलम और मेरी जबान में कितनी काट। शुक्रिया डॉक्टर उस्मान। आज तो आने का पता नहीं, इसलिए अब हम कल चलेंगे और बहुत सी शॉपिंग करेंगे, ठीक है? चलो बेटा, जाओ अपने कमरे में और बहुत आराम करो। अच्छू लेकर जाओ। तुमने तो वही किया जो तुम्हें ठीक लगा। मंटो, क्या कर रहे हैं साथ साहब? कुछ नहीं। वो कहां से मिली? मैंने एक कमरा खुद इस फजूल चीज से पाक किया है, खुद। कहां से मिली आपको? डॉक्टर ने कितनी सख्ती से मना किया है ना आपको। सफिया यहाँ, मेरी बात सुनो। दे मुझे। सफिया, मामा जी ये क्या हो रहा है? इसके आती फिर झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा आहिस्ता तो बोले मामा जी। आहिस्ता तो तुम्हें बोलना चाहिए था, सारी आवाजें कमरे से बाहर आ रही हैं। फिर ढूंढ रही ना इसने बोतल। मैंने तुमसे कहा था कि तुम सारी जगहों को अच्छी तरह चेक करो जहाँ ये वो मनहूस चीज छुपा के रखता है। अच्छा मामा, बाद में बात। ये काफ होता है दो नुक्तों वाला जो कैंची में इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। और एक काफ होता है डंडी वाला, कुत्ते वाला। हाँ 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 वही। अच्छा मास्टर जी,
ये शौकत में कौन सा वाला काफ आता है, कैंची वाला या कुत्ते वाला? कुत्ते वाला। नूर यहाँ, अगर पढ़ने का इतना ही शौक है तो संजीदगी से पढ़ा करो। आपका नाम लिखना सीख रहे थे, अब इसमें क्या बुराई है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि अचानक तुम पे लिखने पढ़ने का जुनून क्यों सवार हुआ। आपको कोई एतराज है क्या? जाओ जाके मेरे लिए खाना लगाओ। नहीं ला सकती, मेरी उर्दू की क्लास चल रही है। बड़ी खुशी की बात है, और बड़े दिनों बाद तशरीफ लाया मंटू साहब। जी चौधरी साहब, कल ही पागल खाने से आया हूँ, आपकी दुआओं से छूटा हूँ कल ही। चले, एक राइटर के लिए तजुर्बा अच्छा होता है। वैसे आपको तो बड़े दिलचस्प किरदार मिले होंगे वहाँ। जी बहुत दिलचस्प। पागल खाने से छूटते ही मैंने आपके लिए एक कहानी दाग दी है। मुकदमा तो नहीं बनेगा? जी नहीं चौधरी साहब, बहुत बेजरर कहानी है। मंटू साहब, ये क्या चौधरी साहब, सिर्फ 10 रुपए? अनवर भैया, आजकल हालात अच्छे नहीं है। वो सुना है ये साथ वाला प्लॉट भी आपने खरीद लिया है, मुबारक हो। वो भाई साहब ने लिया है, वो अपना कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं। जी ये भी पता चला है मुझे कि बड़े चौधरी साहब ने मेरी किताबों के चोरी एडिशन छाप छाप कर बहुत माल बनाया। चलो अनवर चलते हैं, चौधरी साहब को माल से माल बनाना है। खोल दो। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर के 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतद्दिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों और बच्चों का मुतलातिम समुन्दर देखा, पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान अकलौती बेटी का कोई पता न मिला। सकीना की माँ मर चुकी थी, लेकिन सकीना, क्या वो उसे स्टेशन तक ले आया था? क्या वो उसके साथ गाड़ी में सवार हुई थी? क्या जब वो बेहोश हुआ था तो बलवाई उसे उठा कर ले गए? सिराजुद्दीन के जहन में सवाल ही सवाल थे, लेकिन जवाब कोई ना था। सकीना का दुपट्टा, उसने रुकना चाहा था लेकिन सकीना ने चिल्लाकर कहा अब्बा जी छोड़िए, लेकिन सिराज दुपट्टा उठा लाया था। लू आ भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। खुदा के वास्ते मेरी बच्ची को ढूंढ लाओ, सकीना नाम है उसका। एक रोज वो नौजवान अपनी इसी खिदमत के लिए जा रहे थे कि उन्हें एक लड़की दिखाई दी। तुम्हारा नाम सकीना तो नहीं है? सिराजुद्दीन की बेटी हो, आओ हमारे साथ आओ, तुम्हें तुम्हारे बाप से मिलवाते हैं। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर ना मिली और फिर एक दिन उसने कैंप में उन रजाकार नौजवानों को दोबारा देखा। वो भागा भागा उनके पास गया और उनसे पूछा, बेटा मेरी सकीना का पता चले? उन्होंने कहा पता चल जाएगा बुजुर्गो। कई रोज बाद लोगों को रेलवे लाइन के पास एक लड़की मिली, वो उसे उठाकर अस्पताल ले गए। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है मेरी बच्ची, जिंदा है। अफसाना अच्छा हो सकता था अगर इसमें मुसलमान रजाकार नौजवानों का मजाक ना उड़ाया जाता। इसमें अफसाने वाली तो कोई बात नहीं। आपके लिए एक बहुत बिरादराना और मुखलिसाना मशवरा है कि अपना तखल्लुस खोल दो रख लीजिए। जी अनवर शबनम, दिल खोल दो। क्या इजलास के कवायद के मुताबिक साहिब अफसाना को बहस के दौरान यूं मुदाखलत करने की हरगिज इजाजत नहीं है। हर जगह जबान बंदी, आप सब ने खुद को बहुत सी जंजीरों में जकड़ रखा है, कवायद, जवाबत और रिवायात के नाम पर। मैं नहीं मानता, इन जंजीरों को तोड़ना चाहता हूँ और तोड़ के रहूंगा। मंटू पर पाबंदी लगानी ही पड़ेगी। एक्शन। चिट्ठी दूध चांदनी, ओ चिट्ठी दूध चांदनी, ते रुत है बहार दी, नदी साड़ी प्यार वाली हो, नदी साड़ी प्यार वाली, ठठा पई मार दी, छेती छेती आ, छेती छेती आ जा, चन्ना दो में पई एक
कट। मंटो ने जो मजमून लिखा है पढ़ा? कौन सा? नूरे जहां सरूरे जहां। हाँ। मैं वैसी नहीं हूँ। कैसी? वैसी जैसे मंटो ने लिखा मेरे बारे में। शौकत साहब क्या कहते हैं? चल चल शौकत साहब। मैं कैसी लगती हूँ? मेरे ख्याल में इस इंडस्ट्री में तुमसे ज्यादा सुरीली और हैला। मैडम जी की तूफान आ गया है। गोलमो वाली एक्स्ट्रा कितने गई है? साहब जी के साथ गाड़ी में गुजरी अभी। साहब आप अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकल आए। दुनिया को सुधारने के बजाय आप अपनी जिम्मेदारियों की तरफ नजर करें। बच्चियों के स्कूलों की फीसें जानी है। आखिरी तारीख निकल गई है। मुझी का यूनिफॉर्म आना है अभी। नुच्ची की सालगिरह है परसों। शहाब साहब का पैगाम आया था, कल मिलने के लिए कहा है। उसको क्या काम है मुझसे? कोई जरूरी काम होगा शायद आपकी दरखास्त के सिलसिले में। मिल लूंगा। वालेकुम। आए साथ साहब, आपने कल से कुछ नहीं खाया, नाश्ता बिल्कुल तैयार है। देखो अब उनसे भी लड़ झगड़ के मत आ जाना। जरूरत हमारी है उनकी नहीं। कहानियां बेच बेच कर खानदान की किफालत नहीं होती, समझे? लाइसेंस। मैंने प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस की दरखास्त दी थी शहाब। देखो वन टू, प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज और सियासी क्लियरेंस। समझ रहे हो ना मेरी बात? भाई इस लाइसेंस के लिए आजकल नवाबों और वजीरों की सिफारिशात आ रही है। भाई बहुत मुनाफा बख्श बिजनेस है ये आजकल। आसान काम है, अपने पार्टनर से बात कर लेना और तुम्हें घर बैठे एक अच्छी खासी आमदनी मिलती रहेगी। मुंशी जी, ओ मुंशी जी, और क्या लिखा है लेटर में? लेटर में सर जो है ना, इसकी मोर बिल्कुल सही है और आपके ये तीसरे पार्टनर है। जनाब सादर साहब, आप थोड़ा जाके फैक्ट्री चेक कर लें और मुंशी साहब आपको खाता दिखा देते हैं। फैक्ट्री मुझे चेक करके क्या करना है? बाकी हिसाब किताब की भी मुझे ज्यादा समझ बूझ नहीं है। जो मेरा हिस्सा बनता है बस वो मुझे दे दें। क्यों मुंशी जी? कितना हिसाब बना है आज का? कुल टोटल तो बनते हैं 32 रुपए, बारह इनके हिस्से में 10 रुपए आते हैं। दे दो सादा साहब के 10। ये तो हो गया आज का हिसाब। सादा साहब आइंदा आपको यहाँ पे आके बैठना पड़ेगा और अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। भाई ये रहा नुच्ची की सालगिरह का तोहफा और ये रही जी नुसी की यूनिफॉर्म, बड़ी प्यारी सी गुड़िया निक्की के लिए। ये रहा मिसेस सत्या सागर, शहाब ने आइस फैक्ट्री में शेयर दिलवाया है। आइस फैक्ट्री में? लेकिन आपने तो प्रिंटिंग प्रेस की दरखास्त की थी, लेकिन शहाब को लगता है कि मुझे बर्फ का धंधा करना। आज के 10 रुपए मेरे शेयर के। ये बाकी सब चीजों के पैसे कहाँ से? वही खूने जिगर बेच के, कहानियां लिख लिख के। सिर्फ 8.5 रुपए बस। कल तो जो हिसाब, कल छड़ो जी, और रात गई बात गई। वो कारोबार में रोज नया दिन होता है, और अगर आपको हम पे वसा नहीं है तो आप फैक्ट्री में रोज आके बैठे और रोज खाता चेक करें जी। लाडियां हो रही है खुदा बख्शे दे नाल। चलो अपने अपने काम करो। ओए नाजो, मैं तेरे नाल गल नहीं कर रही। एक काम किया सी, ओ भी नहीं कीता। किड़ा काम? वो राइटर नहीं है जिसने वो मिर्जा गालिब फिल्म लिखी थी, उससे मिलवाने का कहा था। बड़ा बदनाम है जमाना है नासो, उस पे फांसी के बहुत से केस चल चुके हैं और कुछ चलने वाले हैं। तो हम कौन से इतने शरीफ शुरफा हैं? आए दिन तो इधर छापे पड़ते। अब अच्छा ना, वो ले आऊंगा मंटो को। पता है वो सायमा नहीं है, सायमा वो कह रही थी कि वो हम जैसे मजलूम औरतों के लिए बड़ा हमदर्द है। तुम लोग तो जालिम हो, जालिम। और मजलूम तो हम हैं। छोड़ ना मंटो को, चलना ना। तो चल।
आजा। पाकिस्तान में उसे भेज दिया गया हिंदुस्तान। टोबटेक सिंह न हिंदुस्तान में न पाकिस्तान में। फिर किथे आ? अभी उसका फैसला ही नहीं हुआ। क्यों नहीं आया फैसला? अभी और बहुत से फैसले होने, कर देंगे टोबे का फैसला भी। सुनो भाई, सैनी मरीजों की तकसीम का फैसला हो गया, तुम में से जो सिख और हिंदू हैं उन्हें हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा और जो मुसलमान हैं वो यहीं पाकिस्तान में रहेंगे। सुन लिया तुम लोगों ने? सब लोग तैयारी करें जाके। तकसीम? तबादले का दिन करीब आ गया। पागलों में कन्फ्यूजन बढ़ने लगा। कोई हिंदुस्तान भेजे जाने पर खुश था, कोई अपने दोस्तों से दूर होने पर अफसोसा। पूछो क्या सवाल है? टोबा टेक सिंह किथे आ? ओए, टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है, उसने उड़ के कहीं और चले जाना था। मैं फिर तो टोबाटेक सिंह दे विच ही रहा, मैं पाकिस्तान च ही रहा। हाँ। तुम सिख हो, हिंदुस्तान वापस जाओगे, पाकिस्तान में नहीं रह सकते। कोई नहीं, मैं टोबे दे विच रहा। भाई जमील, अंदर हिंदू या कोई सिख तो नहीं रह गए पागलखाने में? नहीं नहीं, मुसलमान बाला जी रह गए। चल ठीक है, टोबा हिंदुस्तान चला गया ना। हाँ, टोबे को हिंदुस्तान भिजवा दिए है मेरे बाप। चल बैठ लारी में, चल चल बैठ, चल बैठा उसको, चल बैठ, चल लाल में जान दे। चलो चलो भैया, लारी छोड़, टोबे जाओ। मैं किधर भी नहीं जा रहा, मैं टोबे टेक सिंह के बीच ही रहना। कोई कुछ देखो, ये तुम्हारा फैसला नहीं है, गवर्नमेंट का फैसला है। चलो मुंह फेरा, चलो बाबा जी, मैं किधर, हटो यहाँ से, बॉर्डर पे नहीं खड़े हो सकते। चलो इधर आओ मेरे साथ। फिर अचानक टोबा टेक सिंह के मुंह से एक जोरदार और दर्दनाक चीख निकली और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। खारदार तारों के उस तरफ हिंदुस्तान था, खारदार तारों के इस तरफ पाकिस्तान था, जिसका कोई नाम नहीं था, वहां टोबा टेक सिंह। आप हजरात की सिलसिले में क्या राय है? करारदाद ना मंजूर। कसरत राय से फैसला किया जाता है कि मंटो जैसे रजत पसंद अदीबों का बाइकाट जारी रहेगा। मौजूद हजरात, अभी अभी पता चला है कि पुलिस मेंबरान की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मार रही है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें ये इजलास खत्म कर देना चाहिए। आप लोग एक एक करके पिछले दरवाजे से बाहर चलें और मजीद हिदायत का इंतजार करें। तो आपको पागल खाने वालों ने भेजा, अब क्यों बुलाया? मामला सीरियस है मंटो साहब। तो बताएं किस लिए आए हैं आप? तुम कौन हो? हामिद जलाल, इनका भांजा। यहाँ क्या कर रहे हो? यहीं रहता हूँ, ऊपर वाले हिस्से में। करते क्या हो? क्लास वन गजेटेड ऑफिसर हूँ। आप बताएंगे तशरीफ आवरी का मकसद? आप जानते हैं एक बहुत बड़ी साजिश पकड़ी गई है, कम्युनिस्ट की गिरफ्तारियां हुई हैं। जी हमें इल्म है, हम रोजाना अखबार पढ़ते हैं। हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की गई है। तो ये कि आपको हमारे साथ चलना होगा। आप क्या इन्हें गिरफ्तार करने आए हैं? वारंट है आपके पास? आप वकील नहीं अफसर आमिर साहब? ऑफिसर साहब, मेरी गिरफ्तारी की वजह मेरा कम्युनिस्ट होना है या कम्युनिस्ट के खिलाफ होना? हम आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे, आपको सिर्फ हमारे साथ चलना होगा।
साथ हूँ मामा जान। नहीं हाँ, अगर मैं वापस ना आया तो वो शेख खुर्शीद साहब एडवोकेट जो हैं उनको बता देना। अरे वाह मंटो साहब, क्या ठाट हैं आपके, सरकार खुद छोड़कर गई है आपको, वाह। सिगरेट पिलाओ अनवर। सुना है फौज के बहुत से अफसर गिरफ्तार हो चुके हैं जो जनरल अकबर के साथी थे, और कासमी साहब भी गिरफ्तार हो गए। बुरा हुआ, लेकिन अनवर मैं बता रहा हूँ ये हुकूमत की चाल है, एक सियासी चाल, साजिश नहीं है। क्या मतलब, वज़ीर आज़म ने खुद रेडियो पर आकर ऐलान किया था, एक तरफ वो कम्युनिस्ट रूस के दौरे पर जा रहे हैं और दूसरी तरफ कम्युनिस्टों को धड़ाधड़ गिरफ्तार किया जा रहा है। रूस नहीं जा रहे, वो अमरीका जाएंगे। अमरीका? अंकल साम ने हड्डी डाल दी, ये सब कुछ अंकल साम को खुश करने के लिए तो किया जा रहा है। तुम खुद बताओ, ये गुलों में रंग भरने वाला फैज, ये रेत से बुत बनाने वाला अहमद नदीम कासमी, ये चाय की प्याली में तूफान उठाने वाला सज्जाद जहीर, ये कोई साजिश कर सकते हैं? ये ज्यादा से ज्यादा हजो लिख सकते हैं, या मेरे और हसन अस्करी के खिलाफ मुकदमे, कोई बायकॉट? मामा जान, अब कब आए, बता तो देते कम से कम आप आ गए। हाँ बस अभी पहुंचा हूँ हामिद, तुम दफ्तर नहीं गए अभी तक? जान मैं दफ्तर जाता, आपको सुबह सीएडी वाले पकड़ कर ले गए, मामी जान का अंदर रो रो के बुरा हाल हुआ है, चलिए आए आप अंदर। भाई एक सीआईडी तो हमारे घर में ही चलती रहती है, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है मियां साहब, खैरियत से आप? खैरियत से, आइए डॉक्टर साहब। शुक्रिया। वैसे हम आपके क्लिनिक आना नहीं चाह रहे थे, हम खाके स्कैंडल बन जाते हैं। आई अंडरस्टैंड सर। हम हार्ट पेशेंट हैं और दमे के भी मरीज हैं। डॉक्टर पीरज़ादा हमारे ज़ाती मालिज हैं, हम अपने आप को अब भी फिट महसूस करते हैं, जिस्मानी और जज्बाती तौर पे दोनों, आप समझ रहे ना हमारी बात? जी बिल्कुल समझ रहा हूँ सर। आप एक काबिल और तजर्बाकार मालिज हैं, हमें आपकी मदद चाहिए, हम अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते, मगर जीते जी अपने आप को मारना भी नहीं चाहते। मियाँ साहब दवा मैं डॉक्टर पीरज़ादा से मशवरा करने के बाद ही कोई दवा तजवीज़ कर सकता हूँ। ज़रूर कीजिए, मगर राजदारी के साथ, हमारा ख़ानदान पब्लिक लाइफ में है, इसका ख्याल रखिए। जी मैं समझ सकता हूँ, मुझे इजाज़त। हमें आपकी दवा का इंतज़ार रहेगा। जी बिल्कुल ज़रूर। एक बात, बेगम साहिबा का भी मसला है। हार्ट का? अंदर वाले दिल का, वो भी आपसे मशवरा चाहेंगे अगली मुलाकात में। ठीक है मियाँ साहब, मैं अगली बार जब हाजिर होऊंगा तो उनसे भी मुलाकात कर लूँगा। जी बिल्कुल। चारे फैज को भी गिरफ्तार कर ले, की बिगाड़े ऐसे किसे दें ले। बहुत खूबसूरत शहर है ना। खैर खूबसूरत तो नहीं हैगा, शायरी बहुत अच्छी है उसकी। सही दबा धीमे मिजाज का है ना, मुझसे तो इतना शर्माता है जैसे उसकी इज्जत खतरे में हो। फिरोज नजर कितने आजकल? उसका कैंप लगा हुआ है ना, नवंबर में एमसीसी की टीम आ रही है। मेरा मतलब है तो नहीं कि बंदा मिलन तुम ही जाए। उसे छोड़ दो बेबी, उसका करियर है भी आगे, अभी टेस्ट मैच शुरू होने वाले हैं उसके। मैडम शॉर्ट रेडी ना, बुला रहे हैं। आने चल। तो हिसाब किताब का फिर? हिसाब किताब तो अकबर के पास ही होता है। मगर हिसाब किताब तो मुंशी के पास होता है। उसे तो निकाल दिया, बहुत हेरा फेरी करता था। तो अब हिसाब किताब कौन करेगा? कोई अच्छा सा मुंशी ढूंढ लेंगे और क्या होगा। और जब तक मुंशी नहीं मिलता तब तक क्या होगा? अकबर मर गया है क्या, कल आ जाएगा वो? लेकिन अकबर तो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कैसे हिसाब रखेगा? बहुत पढ़ा लिखा है वो, सब जानता है। सादा साहब तुम तो बड़े पढ़े लिखे लगते हो, तुम आकर संभाल लिया करो ना सारा हिसाब किताब, तुम्हारी तसल्ली भी हो जाएगी, हमारा काम भी चल जाएगा। क्या मतलब है आपका, मैं मुंशी लग जाऊं, इधर बर्फ का हिसाब किताब रखा करूं आकर? क्यों, हर्जी क्या है इसमें, इतना बुरा काम है ये, इतना बुरा धंधा लगता है ना, तो इस धंधे में आए क्यों थे? फजूल की बहस में नहीं पढ़ना चाहता मैं, आज का हिसाब किताब करो मेरे साथ। बिक्री नहीं हुई आज, वैसे भी मैं आज अस्पताल गया था अकबर के साथ, तुम ऐसा करो कल आना।
कल का क्या मतलब है? मेरे पास इतना फालतू वक्त है कि मैं रोज यहाँ पे आया करूँ हिसाब किताब करने के लिए? मैं बहुत दूर से आता हूँ। तो हमारे पास फालतू वक्त है क्या? सादा साहब, अपने हिस्से की रकम चाहिए ना, तो अपने हिस्से की बर्फ आकर खुद बेचा कर बस। मसूद, कागज दे। कोरे कागज। जी ये लीजिए। लगता है बहुत जल्दी में कहानी बाहर आने के लिए बेताब है। अब्बू कोचवान बड़ा चहल छबीला था। साफ सुथरे कपड़े पहनने और हर वक्त बांका बना रहने का उसे बेहद शौक था। नेती एक दिन अब्बू को तांगे पर ही मिली थी। चंद रोज बाद इन दोनों का निकाह हो गया और फिर ऐन जवानी में अब्बू मर गया। नेती का सब कुछ मर गया, मगर वो हौसले वाली औरत थी। इस सदमे को उसने बर्दाश्त कर ही लिया। दीना अब्बू के साथ काम करता था। इद्दत के दिन पूरे होते ही उसने नेती से कहा, भाभी तू मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? नेती ने कहा, भाई मुझे शादी नहीं करनी और अब तुम तकलीफ ना करो, तांगा घोड़ा मेरे हवाले कर दो। वो जिस किसी को भी तांगा हवाले करती, कोई उसे शादी की दरखास्त देता, कोई उसकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करता और कोई उसके पैसे मार लेता। एक दिन उसे ख्याल आया कि मैं क्यों ना तांगा खुद ही जोतूं। फिर सोचा लोग क्या कहेंगे। उसके दिमाग ने कई दलीलें दी कि क्या हर्ज है, औरतें हर तरह के काम करती हैं, पेट किसी हीले से पालना ही है। और कुछ दिन सोच विचार के बाद उसने फैसला कर लिया कि वो तांगा खुद चलाएगी। शहर में एक तहलका बरपा हो गया कि एक खूबसूरत औरत तांगा चला रही है। शुरू शुरू में तो मर्द सवारियां झिझकती थी, मगर ये झिझक थोड़ी देर में दूर और खूब आमदन होने लगी। और फिर एक दिन कमेटी वालों ने उसका लाइसेंस पढ़ाए थे। पर मेरा लाइसेंस क्यों जब्त कीता है? मैं टांगा क्यों नहीं चला सकती? और जदो कहता है नहीं चला सकती तो नहीं चला सकती, तेरा लाइसेंस जब्त है। मेरे हाल ते रहम करो जी, मेनू दसो मैं फिर किवें करा गुजारा। ओ तू सोनी है, बाजार से जाके बह जा, और ते ज्यादा आमदनी होनी तेरी, दूजे धंधे दा लाइसेंस बनवा ले। अब्बू तेरी नेती आज कमेटी के दफ्तर च मर गई। दूसरे दिन उसने अर्जी दी और उसे अपना लाइसेंस मिल गया। बहुत खूब। ये लीजिए। शुक्रिया। आप आइस फैक्ट्री गए थे? हाँ, अहमक कथों को आखिरी बार अलविदा कह, जिन्हें ये भी नहीं पता कि अंग्रेजी का लेटर सीधी तरह कैसे पकड़ा जाता है। और उसके बाद जो आपके दफ्तर भी गया, मुंह पे मार के आया उसके मैं वो लाइसेंस वापस कर दिया। शहाब से लड़ाई भी कर ली आपने, साथ साहब आप किसी से तो बना के रखिए। मैं बर्फ बेचने वाला आदमी हूं, मैं आग बेचता हूं सफिया, आग। एक अलाव चल रहा है मेरे अंदर, मैं उसकी चिंगारियां दूसरों की राख में नहीं झोंक सकता। आग लगानी चाहिए थी मुझे उस बर्फ खाने को। बैठिए ना, तशरीफ रखिए। बैठिए बैठिए। मंटो साहब, आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं आपकी फिल्म मिर्जा गालिब के गाने कितने शौक से गाती हूँ। बहुत बाजौक लगती हो, लेकिन मेरा उन गानों से क्या लेना था? मैंने तो सिर्फ वो फिल्म लिखी थी, वो गजलें तो मिर्जा गालिब ने लिखी। ठीक, जानती हूँ, लेकिन अब मिर्जा गालिब तो यहाँ आने से रहे, तो उनकी जगह मिर्जा गालिब फिल्म का राइटर ही हमारे यहाँ आ जाए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सहे नसीब।
लेकिन तुम लोगों ने मेरा इस्तकबाल ऐसे क्यों किया जैसे मैं कोई बुजुर्ग हस्ती हूँ? हमारे लिए तो आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, हमारे मोहसिन हैं। मोहसिन कैसे? आपने अपनी कहानियों में हम जैसी औरतों के बारे में इतनी हमदर्दी से लिखा है कि किसी और ने नहीं लिखा। आपकी कहानियां पढ़कर हमारे तो आंसू बह जाते हैं, लेकिन जख्मों पर हाहा भी रखा जाता है। तुम्हें तो खुद कहानियां लिखनी चाहिए, किस कदर खूबसूरत इजहार है। कैसा इजहार? हम तो सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। इस महफिल को खत्म करो, बाहर दूसरे गाहक के सबरे हो रहे हैं। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए खुदा बख्श। अरे नहीं नहीं मंटू साहब, आप कैसे जा सकते हैं? अभी तो मैं मिर्जा गालिब ही की कोई गजल आपकी नजर करना चाहती हूँ। तशरीफ आवरी का शुक्रिया। बिटिया आपकी इसरार कर रही है, वरना अब खान साहब छेड़िए ना। पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहना बहुत मुश्किल है। वो कैसे भाई? वो किसी एक धड़े से जुड़ता ही नहीं है। कम्युनिस्टों के वो खिलाफ है, मौलवियों का वो मजाक उड़ाता है, और अब उसने अमेरिका की भी मिट्टी पलीद करना शुरू कर दिया। ये तो उसकी सरिश्त है। दिल्ली से लेके बंबई तक उसने हमेशा सच ही लिखा है। और दुश्मन भी बनाए, ठीक है मैं मानता हूं वो सच बोलता है, मगर मुंह फट है भाई। इसीलिए तो उसे बंबई से निकलना पड़ा और अब उसके लिए लाहौर तंग पड़ रहा है। तो सच्चा होना जुर्म हो गया। बंबई में उसके ऊपर पाकिस्तान दोस्ती का इल्जाम था, और यहां उसकी हुब्बुल वतनी मुशकूक करार दी जा रही है। खास में सच बोलने के भी कुछ आदाब होते हैं, कुछ हुदूद होती है। एक नई मुमलिकत को मुस्तहकम करने के लिए, उसकी बुनियादों को मजबूत करने के लिए, उसकी नजरियाती असास को पुख्ता करने की जरूरत है। इसलिए मंटो जैसे राष्ट्रगुरु दानिशवरों को अपने कलम को लगाम देने की जरूरत है। ओए पुत्र आराम से। लो जी खुदाबख्श केस तैयार है। कौन सा केस चौधरी साहब? है कौन सा केस? अरे मंटो का केस अगला, उसकी गंदी रहनीत का मुंह बोलता सबूत। वाह जी वाह चौधरी साहब, आपने तो पूरा केस ही तैयार कर लिया जी। हाँ ये ओपन एंड शट केस है। चौधरी साहब जी मैं चलता हूँ जी, अब है जी, मैं ये ले जाऊँ? हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब आपने, आप मंटो साहब को भी साथ ले आए। अरे मियाँ साहब आपकी फरमाइश थी, भला कैसे नहीं लाते हम। मंटो साहब बहुत सुना है हमने आपके बारे में। सब 100% ठीक है। वो मंटो साहब आपसे एक मशवरा लेना था हमें। मुझसे मशवरा मियाँ साहब? आप गहरी नज़र रखते हैं इन मामलात में। वो एक आरज़ा है ना।
शीर साहब केस बनता है? हाँ मगर खींचना पड़ेगा थोड़ा। वो तो आप बहुत पहले से खींचते चले आ रहे हैं। तब चौधरी साहब खुद सरगर्म थे और फिर लोग उनका एहतराम करते थे। बशीर साहब अभी भी डोर जो है चौधरी साहब के हाथ में वो खींचते ही चले जाते हैं। ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ, FIR दर्ज करा देता हूँ। मगर ये अदालतें आजकल बहुत मोहतात हो गई हैं इस तरह के केसों में। ये दानिश्वर और अखबार वाले राय का पहाड़ जो बना देते हैं। कह तो ठीक रहे जी आप, ठीक है सेक्रेटरी साहब से मशवरा कर लेते हैं। ये ठीक रहेगा। तो ऐसा करता हूँ कि तब तक ये फाइल मैं अपने पास रख लेता हूँ। ठीक है जी। अब पता नहीं है मंटू साहब बिना ऐसे मजवात पे क्यों लिखते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ फिर। ठीक है जी। अनियम मुबारक हो, तुम्हारा ऑडिशन कामयाब हो गया। मुझे तुम में टैलेंट दिख रहा है। बेपनाह टैलेंट। सच सर? सर क्यों कह रही हो मुझे? शौकत का मैं ये गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें हक देता हूँ, तुम जो चाहो मैं कह सकती हूँ। तुम मुस्तकबिल की स्टार हो। ये लो तुम्हारे स्टार होने के नाम। अरे देखी तुमने मुझे वहां पे टकराई मेरी साइकिल से। जो साइकिल चलाते हुए औरतों को ना देखा करें मंटो साहब, ऐसा करना ना तो धांका दे दिया करें। क्यों बेटा? आपको नहीं पता? खैरियत है ना बेटा? आपसे मेहमान मिलने आ रही है। कौन मेहमान? कहाँ चले गए साहब, कब से आपको ढूंढ रहे हैं? खैरियत तो है ना सफिया, क्या हुआ कहीं जाना है? नहीं आपके मेहमान आ रहे। कौन मेहमान आ रहे? आइए बताती हूँ। और ये सब क्या हुआ, इतना पसीना क्यों आ रहा है? हटो बेटा हटो, कौन है? Mr. Manto, it's a pleasure to see you. I'm from the U.S. Council Lahore. Madam, what an absolute pleasure. So what can I do for you, Consul? Well, you wrote a letter to Uncle Sam. But I never posted it. I did not have the money to purchase the stamp, you see. But you got it printed, didn't you? Yes, I did, in Urdu. You have read it? Well, I was very lucky because my colleague here, Mr. Salim,
interpreted it for me. I found it very incisive and very hard-hitting. Your stories on partition are very moving, Mr. Munto, very moving. We'd very much like you to write for us, Mr. Munto. But I write in Urdu only. Oh, we have an Urdu magazine. Ji, Safarat Khane ka semai jarida hai, jisme hum mumtaz kalamkaron ki tehreere shaya karte hain. Okay. To start with, I can write a short story for you. One. Well, that's great, Mr. Munto. How much will you charge? I would charge rupees 200 for one story. You gotta be kidding me. 200 rupees? It's too little. A ridiculously small amount for such a great writer as yourself, Mr. Munto. Well, I mean, I would say something like 500 rupees for a story. No, Mr. Consul. As I have said, I will charge rupees 200 only. Not a rupee more. Only then will I write. Oh, I just... भाई वादा किया था तो पूरा करना ही पड़ेगा. ठीक है भाई, आ जाएगी नूरजा तेरी सालगिरह पे. है? अम्मी नहीं खाएगा मैं नूरजा आएगी. काकू को तो मेरा ख्याल है सिर्फ नूरजहां के ख्वाब आते हैं. छुट्टी वाले दिन कौन आ गया? निकी जाके देखो दरवाजे पे कौन है. अगली दफा मैं सोच रहा हूं निजी अपनी बच्चियों के कमरे में गुलाबी रंग का रंग करूंगा. ठीक है? ठीक है पापा. अब वो है. कौन वो? वो अमेरिका वाले. तेरा गया अमेरिका वाले? अच्छा भाई, चीजों को कोई नहीं छेड़ेगा. अब सीढ़ी के पास नहीं आएगा कोई. करीब नहीं आना. कम इन मिस्टर कौंसल, कम इन प्लीज. I am sorry about the mess. I was painting the walls. Okay, by yourself? Yes, I do it very well and do it very regularly every season. Okay. Please, all sit. Right. Okay. Well, thank you very much indeed, Mr. Munto. I won't take too much of your time. I'll get straight to the point. That would be a good idea. Well, Mr. Munto, we would very much like you to accept 300 rupees for the story. Please don't insist on 200 rupees. There you go. Please. I am accepting it as a special case only. Well, thank you very much indeed, Mr. Munto. Now, about the story, what is it exactly that you're going to write for us? Why do you ask me that? Oh, because we happen to be paying for it. Mr. Consul, I have agreed to write the story only. I will not accept any dictation. You will get the story in a few days. And it could be about anything. About anybody. It could be against you. Okay.
Manto is not for sale. No one can tell me what to write and what not to write. Well, okay. Thank you very much indeed. I think it's time for us to leave. Goodbye, Mr. Manto. होशियार नजरे रूबरू शहंशाह आलम लंच के लिए तशरीफ ला रहे हैं। दस्तरखान पर आज माँ बदौलत के लिए क्या क्या चीज हाजिर है? गोश्त पुलाव, माही पुलाव, मटर पुलाव, नारंगी पुलाव, मुतंजन बिरयानी, जर्दा, रोगन जोश, कोरमा, टमाटर गोश्त, भिंडी गोश्त, मटर गोश्त, पाए का शोरबा, कीमा, भेजा, चिकन कटलेस, पोटैटो कटलेस, मटन कटलेस, चिकन चॉप्स, पोटैटो चिप्स और खुदा जहां बना का भला करे अरहर की दाल। अरहर की दाल माँ बदौलत को बिल्कुल पसंद नहीं। ये गुलाम इंसाफ का तालिब है जहां बना। बोलो तुम क्या करते हो? आलम पना के साए तले इस गुलाम ने एक बहुत बड़ी लॉन्ड्री खोल रखी है। कपड़े की घाट पर तुम खुद धोते हो? नहीं आलम पना, ये जलील काम मैंने दूसरों के सपोर्ट कर रखा है। फरियादी ने 4 महीने हुए महसूस किया कि उसके ये तनख्वाह पाने वाले मुलाजिम उसका साबुन खा रहे हैं। ऐलान कर दिया जाए कि माँ बदौलत ने संगीन मुकदमे का फैसला मुरतब करने के लिए एक कमीशन बिठा दिया है। कमीशन? 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 कमीशन। आलम पना जिंदाबाद, आलम पना जिंदाबाद, मंटो जिंदाबाद। मंटो शौकत, कैसे हो मेरे यार? ठीक। किसी ने बताया नहीं अंदर शूटिंग हो रही है, वरना मैं कुछ देर बाहर ही खड़ा हो जाता। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम कौन सा रोज रोज आते हो? बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई है तुमसे। मैडम नूर मेकअप रूम में होगी। सुनिए जरा मंटो साहब के साथ जाइए और इन्हें मैडम तक पहुंचा के आए, वापस आइएगा। मंटो जी, बड़े अरसे बाद आए हो, कदे साडी याद नहीं आई। याद तो बहुत करता हूँ तुम्हें नूर। हाँ जी, पढ़ा था मैंने आपको जो याद आती है हमारी शबाब साहब के रिसाले में। कभी कुछ अच्छी यादें भी तो छापा करें। अच्छी यादों को सिर्फ दिल में रहना चाहिए, उनसे लोगों को कोई गर्ज नहीं होती। क्या वक्त था वो भी, सिर्फ जगह ही नहीं लोग भी बदल गए अब तो। मगर शौकत हुसैन रिजवी तो बिल्कुल नहीं बदला, वही सूटेड बूटेड फ्लर्ट। हाँ जी, मुकाबला चल रहा है आजकल मेरा और उनका। हाँ सुना है तुम हिदायतकारी भी करने लगी हो, अब शौकत से मुकाबला करोगी हिदायतकारी का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्लर्ट करने का। तुम्हारे इल्म में नहीं है लेकिन मेरे घर में तुम्हारा एक आशिक है, बहुत बड़ा आशिक। और ऐसा आशिक कि अगर उसका बस चले तो तुम्हें यहां से उठा के ले जाए। वो आप तो नहीं हो सकते मंटो जी, फिर कौन है? हाँ मंटो, तो मिल गई तुम्हें मैडम नूरजहां, वरना तो तुम यहाँ कभी चक्कर भी नहीं लगाते। मंटो जी आपका सीक्रेट। बस शौकत, जिंदगी के झमेले और बखेड़े ही इतने हैं। स्टूडियो काफी अच्छा बनाया तुमने और बहुत बड़ा भी है। नई फिल्म की शूटिंग कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, 1.5 महीने में फिल्म रिलीज भी हो जाएगी। तुम बताओ कैसे आना हुआ? मैडम को इनके एक आशिक से मिलवाना है। क्या अब भी कोई कसर बाकी रह गई है?
तुम तो खासे अपसेट हो गए शौकत। बंबई में तो खासा लिबरल नहीं हुआ करता था नूर। हाँ जी मंटो जी। क्या करूं मंटो, वक्त और हालात काफी कुछ बदल देते हैं। खैर मैं सेट पे जा रहा हूं, यहां पर किसी को अपसेट नहीं करना चाहता। सीधी तरह बताइए ना मंटो जी, पहेलियां क्यों बुझवा रहे, कौन है वो? मेरी साली और मेरे भांजे का बेटा ताको, उम्र 4 साल। निकलिया जुआ। आशिक है तेरा, अखबारा जो तेरी फोटुआ कट कट के साम के रखता, चुमदा उन्होंने अदी कल साल गिराए, कह रहा सी मैडम नूर जहानू बुलाओ, मैं वादा कर ले। आएंगी? कोशिश करांगे मंटो जी, जे तुहाडे शौकत साहब ने मैनू इजाजत दी। ऐ बाकी कमा ले भी शौकत साहब दी इजाजत लेनी पैंदी है। बड़ी चीज हो मंटो जी तुसी भी ना। चलो आ जाएंगे। चलो आज मंटो ने मेरे अंदर छुपे हुए आंसुओं के सैलाब को आजाद कर दिया। आज मुझे वो लफ्ज मिले जो मेरे दुख को बयान कर सके। मैं आज पहली बार अपने बच्चे के लिए खुलकर रोई हूँ। ये बोझ मेरे सीने पर पत्थर की तरह पड़ा था, आज ये बोझ हल्का हुआ है। क्या हो गया नाजो? किसी ने कुछ कहा है? पता कौन कुत्ते का पिल्ला था, वो हरामखोर इंस्पेक्टर या कमीना ठेकेदार? नाजो जवाब दे नाजो, बेटा बोलती क्यों नहीं है? इस मंटो ने तुझे रुलाया है? अरे है क्या इस घटिया किताब में? मेरा बच्चा। बच्चा? अम्मा छीन के ले गए वो उसको मुझसे। अम्मा मैं चीखती रही, मैं रोती रही, मैंने लाख मिन्नतें की उनसे, मेरी एक ना सुनी किसी ने। अम्मा मेरा बच्चा। अरे बेटी संभाल अपने आप को, तेरे साथ तो ज्यादती की गई, तुझे अकेला सोफे पर रुलने के लिए छोड़ दिया गया था नाजो। मैं जिसे उसकी मांग करता है मेरी गोद से पुकारती है। अम्मा मुझे मेरा बच्चा चाहिए। क्या हो गया नाजो? बच्चा। डॉक्टर साहब, बेगम साहब आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। मैं जरा मिल के आता हूँ। जी मियां साहब। जी मंटो साहब, आपकी ठंडा गोश्त पड़ी बहुत लुत्फ आया। मियाँ साहब ठंडा गोश्त पड़ के? नहीं, वो हमारे कहने का मतलब ये था कि आपकी स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टराइजेशन, क्या किरदार तख्लीक किया आपने, कलवंत कौर, खूंखार और हासिद मिजाज। महरम दिला दे माही, मोड़ेगा कदम हारा। महरम दिला दे माही, मोड़ेगा कदम हारा। दिन रात तड़प देने अरमान बेशुमारा।
हर घड़ी गुजारा। जी तो दूसरों की तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। उधर एक सुंदर लड़की भी थी, मैं उसे उठा के नहर के पास जो पटरी है उसकी झाड़ियों के पीछे ले गया। फिर की होया? फिर मैंने पत्ता फेंका, लेकिन की वो मरी हुई थी, वो लाश थी करवट कर है, वो लाश थी। ठंडा गोष्ठी यानी आप जानना चाहते हैं कि ऐसी हालत में करना क्या चाहिए। मियां साहब, ऐसी जज्बाती हालत में जब ऐसी कैफियत हो और इंसान के जहन पे, या आम जबान में कह लीजिए उसके जमीर पे कोई बोझ हो, कोई जहनी दबाव, उसका तो फिर असर होता है जिस्म पर। क्या बताएं आपको मंटो साहब, बहुत परेशानी है। बेगम तो धोल धप्पे पे आ जाती है। आपको एहतियात करनी चाहिए कि ऐसे मौकों पर फिर कोई तेज धार का कोई आला, कोई हथियार वगैरह कमरे में मौजूद नहीं होना चाहिए। एहतियात तो हम करते हैं, मगर वो जूते, सैंडल और वो मक्खी मार वगैरह तो होते ही है ना आसपास। मियां साहब, एतराफ करना चाहिए, इजहार करना चाहिए, मुनाफ़क़त नहीं, धोखा नहीं देना चाहिए। लीजिए, डॉक्टर साहब आए। क्या ख्याल है, इजाजत लीजिए मियां साहब से। जी डॉक्टर साहब, आप ही का इंतजार हो रहा था। ठीक है मियां साहब,
बाकी फिर सही। शुक्रिया मंटो साहब, शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक करारदाद ज़ेरे बहस है, इसकी कार्बन कॉपियां आप में तकसीम कर दी गई हैं। करारदाद में तजवीज़ किया गया है कि गुज़िश्ता कॉन्फ्रेंस में बाज़ अदीबों के बॉयकॉट का जो फ़ैसला किया गया था उसे वापस ले लिया जाए, और इसके अलावा हुकूमती इदारों से अदम तआवुन का फ़ैसला भी कलअदम करार दिया जाए। गुज़िश्ता फ़ैसलों के बाद ऐसा क्या हुआ कि अहम करारदादें वापस लेने की नौबत पेश आ गई? ऐसे फैसलों से अंजुमन की साख और तरक्याती कमिटमेंट मशकूक हो सकती। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत की तरफ से अंजुमन पर कोई दबाव डाला जा रहा है हमारे सरकर्दा रहनुमाओं पर साजिश केस चलाकर? देखिए, एक बात मैं यहां पर वाजिया करता चला जाऊं, अंजुमन या पार्टी किसी भी किस्म के दबाव के तहत अपना किया गया कोई भी फैसला वापस नहीं लेगी। हमने भी बहुत सारी कैदोबंद की तकालीफ बर्दाश्त की हैं, अंग्रेजों के जमाने में भी और पाकिस्तान बनने के बाद भी। तो ये बात अब बॉयकॉट के फैसले का मनफी असर हुआ है और हमारे मुखालफीन ने इसका खूब फायदा उठाया है। मंटो को मोहम्मद हसन अस्करी जैसे रजत पसंद दानिश्वरों ने अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। असमत, कुरतुल ऐन हैदर वगैरह के नाम भी मुतासरीन में शामिल हैं। हम चाहते हैं वो सब जदीद अदीब जो इंसानियत, समाजी इंसाफ, साम्राज्य से आज़ादी पर यकीन रखते हैं उन्हें साथ मिलाएं। तजवीज़ आपकी माकूल है, मैं इसकी हिमायत करता हूं। हमारे वो साथी जो इस करारदाद की हिमायत में हैं, वो हाथ खड़ा करते हैं। करारदाद मंजूर की जाती है। या अल्लाह, बात समझ लो, आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। तू बस मुझको बता, एक बार तू बस इशारा कर दे, फिर तू देख खुदा बख्श क्या करता है। खुद को संभाल खुदा बख्श, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर ये क्यों इतना नाराज है? क्यों नाराज है? क्या रोग लग गया है इसको? अरे इसे मंटो हो गया है। क्या हो गया? अरे तेरा मंटो, वही मिर्जा गालिब का राइटर, उसकी किताबें पढ़ने का रोग हो गया इसे। अच्छा जी, वही मंटो की किताब पढ़ने का ये असर होता है, हैं? चौधरी मोहम्मद हुसैन ठीक कहता है, इस मंटो का अब कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। खुदा बख्श, इसमें मंटो का क्या कसूर है? देख खुदा बख्श, देख वादा कर मुझसे, तुझे तुझे खुदा का वास्ता है। कौन है वो? वो आशिक है तेरा, देखना मैं किस तरह उसका मक्कू ठप करता हूँ, तू देखना। खुदा बख्श, खुदा बख्श, खुदा बख्श, देखना तू। खुदा बख्श, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। हो गया नाजो। अब तुमने सालगिरह में गाना गाना शुरू कर दिया है, ऊपर जाने की बजाय नीचे जाना चाहती हो? मैं जमीन पे रहना चाहती हूँ शौकत, ताकि कोई मेरे पर काटे तो मैं लहूलुहान ना हो जाऊं। मगर वहां गाना गाने की क्या जरूरत थी? हर अखबार में खबर शाया हो गई है, चंद हफ्तों बाद तुम्हारी फिल्म रिलीज हो रही है, उसी का कुछ ख्याल कर लेती? मंटो के भतीजे की सालगिरह थी, बच्चे बड़ा इसरार कर रहे थे, सो गा दिया। तुम अपने आप को समझती क्या हो नूर? मलिका नूरजहां, अगर मैं तुम्हें खानदान में चांस ना देता तो तुम आज भी टके टके के मंडवे कर रही होती अपनी बहनों के साथ। और अगर मेरी आवाज और अदाकारी से आपकी फिल्में हिट ना होती ना शौकत जी, तो आप भी बंबई के बाजारों में घड़ियों की मरम्मत कर रहे होते। ये फूल आए मैडम जी। लो एक और आ गया, उसे भी गाने सुना दो जाकर। शीदे जी, मैडम जी, बुला ले उसे। तुम्हें अंदर बुलाया है। आइए जनाब। तो आप हैं सुहेल अख्तर जी?
वो दरअसल मैं आपका परिस्तार हूँ। परिस्तार हैं और हम अपने परिस्तारों से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको मुझमें सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? सब कुछ, सब पसंद है। आप हमें सारी की सारी पसंद हैं। और मेरी आवाज? उस पर तो हम फिदा हैं मैडम। मैडम कह रहे हैं, बताइए ना शौकत जी से, हमारे परिस्तार हमें नूरी कहते हैं। नूरी कहिए ना आप मुझे। नूरी, आप हमारी फिल्में नहीं देखते? कई कई बार। जुगनू तो मैंने 22 बार देखी थी। और अक्सर आपने ये भी सोचा होगा कि फिल्म के हीरो की जगह आप हो और हमें अपनी बाहों में ले लें। अक्सर मैं तखय्युल में यही सोचता हूँ कि आप और मैं। बकवास बंद करो। हमने आपको वो बात बताई थी कल जो हम मंजले बेटे के कमरे में गए तो वो रुस्वाई जमाना किताब? जी बेगम। तो आपने क्या किया? हमने उसे किताब छीन कर गायब कर दी। हमारा ख्याल था कि आज आपसे दरखास्त करें। आप बिगड़ते जा रहे हैं। हमारी सेहत बिल्कुल ठीक है बेगम, बस हम डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई कदम उठा नहीं सकते और हमें आपकी तरफ से भी यही इत्मीनान होना चाहिए। मैं आज ही मिसेस अल्हारा से बात करूंगी, अगर उन्होंने इजाजत दी तो। और हम आज ही डॉक्टर पीजादा से बात करेंगे, अगर उन्होंने इजाजत दी तो। तो फिर पढ़े अगला चैप्टर। मेरा ख्याल है स्टॉपवॉच भी रख लें नब्स चेक करने के लिए। आपके स्मेलिंग सॉल्ट्स कहाँ हैं? वहीं पर रखे होंगे। नौकरानी बोली, कहाँ चले? नौकर ने कहा, बढ़ई ढूंढने जा रहा हूँ। चारपाई अब बिल्कुल जवाब दे चुकी है। नौकरानी ने कहा, हाँ उससे कहना मजबूत लकड़ी लगाए। बहुत खूब और बहुत दिलचस्प, लेकिन मंटो साहब एक मसला है, इसे छापेगा कौन? वही जो पहले अफसाने छापते हैं। ओए सूफी, अंदर जाओ, किताब सदाम खाली करो, किताबें शिताबें चुको, चलो। चल अकेले। सर जी आप मेरी बात तो सुने। सर सर मेरी बात सूफी जी, मेरी बात भाई, मेरी बात चल चल। मंटो साहब आपका दिमाग तो दुरुस्त है, कौन छापेगा इसे? यार मंटो, तुम्हारे कलम में कुछ ऐसी बात है कि सीधा भी रखो तो टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा ना भी हो तो टेढ़ा लगने लगता है। ये भी तो मुमकिन है कि लोगों की नजर टेढ़ी। तो इस ऊपर नीचे दरमियान को कौन छापेगा मंटो साहब? ये छपके रहेगी, अगर कोई नहीं छापेगा तो मैं अपनी रकम खुद लगा के छापूंगा। जो कहानी लिखी जाती है ना प्रोफेसर, उसका छपना लाजिम हो जाता है। सलाम मंटो साहब। वालेकुम सलाम। अजी कोई बंदा आपका घर ढूंढ रहा था, एवर न्यूज स्टूडियो से आया था, कह रहा था कि बंबई से कोई पैकेट दे गया है आपके लिए। मुझे किसने भेजा? जी वो कोई दोस्त है आपका, श्याम साहब, उन्होंने भेजा है आपके लिए जी, आपको दे दिया जाए। मुझे इजाजत जी। वारे मेरे मुरली वाले श्याम, क्या टाइमिंग है अनवर, अब ऊपर नीचे दरमियान भी छपेगा और मेरे श्याम के नाम जाम भी चढ़े। सारी कॉपियां उठवा लीजिए, सब की सब।
कीमत देकर या जबरदस्ती हमें नहीं मालूम, उठवा लीजिए बस। आप यहां बैठी तस्वीर बहाती रहेंगी, हमें कुछ सोचने दीजिए। कैसा घटिया आदमी है ये मंटो, किस तरह से बदनाम कर रहा है हमें ये। अब हम करेंगे क्या, मैं किस तरह फेस करूंगी अपनी फ्रेंड्स को। अरे भाड़ में गई आपकी कॉफी पार्टी वाली फ्रेंड्स, हमारा सियासी करियर दांव पे लगा हुआ है। हेलो, वो वकील साहब से शाम का वक्त तय करो। वकील साहब के साथ? तो क्या कानूनी कार्रवाई के बगैर जाने दें उसे? अदालत में मुकदमा करेंगे तो बहुत शर्मिंदगी होगी, पगड़ियां उछलती हैं ऐसे मुकदमों में। हम हतक इज्जत की बात नहीं कर रहे, हम उस पर फहाशी का मुकदमा करेंगे। उस पर पहले भी सजा हो चुकी है, नाक रगड़वाएंगे उसकी, उस माफी मंगवाएंगे उससे। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी निजी जिंदगी के बारे में उसको इस कदर मालूमात दी किसने, आपने या डॉक्टर गौरी ने? हमें तो लगता है कि वो दीवार से कान लगाकर हमारी बातें सुनता रहा है। उस डॉक्टर के बच्चे का भी लाइसेंस कैंसिल करवा के देंगे। खुदा बख्श, अब आया ना ऊंट पहाड़ी नीचे। ओ चौधरी साहब, वही गल हो गई जी, ओ चूहा अपनी क्रिकी में खुद फंस गया है। वैसे खुदा बख्श, ये अफसाना न सिर्फ फहाशी का मकरू नमूना है बल्कि इसमें शहर की एक मुमताज शख्सियत के किरदार को मस्क किया गया है। तुम तो जानते ही हो ना किसके बारे में लिखा है इसने। ओ चौधरी साहब मैं क्या जी, वो पूरा शहर जानता है जी। आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे नहीं, इसलिए? वो इंस्पेक्टर नहीं है खुदा बख्श, वो आपका जानी दुश्मन बन गया है, मौके की तलाश में बैठा हुआ है कि आपको किसी तरह फंसाए। आपको होशियार रहना पड़ेगा। होशियार रहने के लिए होश में रहना पड़ता है और ये मेरे बस में नहीं है। वार्निंग का शुक्रिया। हम चाहते हैं वकील साहब के ऐसा पक्का हाथ पड़े कि आइंदा वो किसी मुअज्जज खानदान की पगड़ी उछालने की हिम्मत ना करे। कराची बात हो गई है मियां साहब, कराची के प्रेस डिपार्टमेंट ने तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर लिया है। वो मुकदमा दर्ज करते ही पंजाब हुकूमत को इत्तला कर देंगे, फिर उसके बाद खुदा बख्श साहब का काम है। सर जी आप फिक्र ही ना करें मियां साहब, आपका खानदान मुस्लिम लीग के बानियों में से है जी, आपकी इज्जत की हिफाजत के लिए जो हो सका ना जी उसमें खुदा दी करेंगे जी। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, अगर आप कहें तो हम माई जी साहब से बात करें। नहीं जी नहीं, हमारा अपना केस है जी। चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब ने बड़े डिटेल में होमवर्क किया है जी। चौधरी साहब नहायत ही मुखलिस इंसान है मगर वो रिटायर। ओ मियां साहब जी, वो दुनिया से भी रिटायर हो जाएंगे ना तब भी बाद में उनके पैगाम आते रहेंगे जी। वो जी फांसी के खिलाफ जिहाद के मुजाहिद अव्वल हैं। अब इस कार्य खैर में देर नहीं होनी चाहिए इंस्पेक्टर साहब। किसी ऑर्डर आने दें, लार की पुलिस में ना थरथली मच जानी है। आप लोग जाए। ओके सर। ओके मियां साहब। वालेकुम सलाम। मेरी कहानी बयान कर दो, वो मेरे अंदर खुल बुला रही है, सुनाए जाने बताए जाने के लिए बेताब है। एक सिर्फ तुम ही हो जो ये कहानी बता सकते, और कोई नहीं। चाहिए ना।
उसी और लुच्ची को भी बुखार है। ठीक है, पूरा दिन आपका इंतजार करती हूँ, अभी थक कर सो गई। लुच्ची तो निछावर है आपका। मैं बेहक वक्त कई दुनिया हूँ, मैं कई किरदार निभा रहा हूँ, सफिया मैं थक जाता हूँ, कहानियाँ लिख लिख के मेरे हाथ छल हो चुके हैं, मेरी आंखें पुच्छल हो रही हैं, मेरा दिमाग हार रहा है। सफिया, ये रोज के रोज कहानियां लिखने की बजाय आप कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? मुझे कोई और काम कहाँ आता है? कहानियां लिखने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता, और मेरे काम की माशरे में कोई कदर नहीं है। शायद मेरे मुझे जाने के बाद बहुत बात लिखे हुए को सराहा जाएगा, उसकी कदर की जाएगी, मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे खुसूसी शुमारे शाया किए जाएंगे, मुझे याद किया जाएगा, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत देर हो चुकी होगी। अनवर मियां जी, इस पे कुछ लिखो। क्या? कुछ भी। कुछ भी? एक लाइन लिखो कोई। कौन? ओ सादत हसन मंटो, और दरवाजा खोलो, और फरार का कोई रास्ता नहीं है, तुम चारों तरफ से घेरे में हो, और दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। सादत हसन मंटो, क्या बात है, इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हैं? जी मंटो को बाहर निकालो, हम उसको लेने आए हैं। वो घर पे नहीं है। देखे जी, वो कराची से उसके खिलाफ वारंट है, हमें उसको गिरफ्तार करने के आर्डर है। अब मंटो बाहर निकलो, कहां औरतों के पीछे छुपे बैठे हो, निकलो बाहर। कह तो रहे हैं कि वो घर में नहीं है, हम सिर्फ औरतें हैं। हमारे पास तलाशी के आर्डर है, आप उसको हमारे हवाले कर दें, वरना फिर हमको घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। हम भी यहीं बैठे हैं जी, उसके बगैर हम नहीं जाते, बाहर ही बैठे हैं। कैसे मरवाऊं उसे? मंडो साहब, बस थोड़ी सी रह गई है, फिर चलते हैं। और ये कहानी अधूरी छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें पता है मुझे अधूरी कहानी छोड़ने से नफरत है। दरअसल आपके घर के बाहर पुलिस आके बैठी है, और वो इसरार कर रहे हैं कि आप घर के अंदर हैं, बाहर नहीं निकल रहे। मुझे गिरफ्तार करने आए, ऊपर नीचे दरमियान के सिलसिले में हो सकते हैं, और सुना है इजाफा वारंट भी कराची की अदालत से आए। चलो, और वो जमानत का भी बंदोबस्त करना होगा। हामिद को कह देंगे ग्रेड वन का अफसर है, वो कुछ कर सकेगा। मेरा ख्याल क्या हो रहा है, ये क्या बदतमीजी हो रही है? ओ जी, कानून का बोलबाला हो रहा है जी। हामिद साहब, ओ जी मंटो को लेने आए हैं, उसको देखो वो चूहे की तरह डर के अंदर बैठा हुआ है, पर आज तो हम उसको लेके जाएंगे ना जी, और चाहे रात ही क्यों ना हो जाए। हैं साहब, देखिए जी, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, अब हमको खुद अंदर जाके उसको लाना पड़ेगा। कोई हक नहीं आपको ऐसा करने का। हक नहीं, इख्तियार है हमारे पास, और हम ही कर सकते हैं। घरों पर थावा बोलने का इख्तियार तो नहीं है ना? और देखें जी अहमद साहब,
मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं कि उसको बाहर निकाले वरना अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, वो बाहर नहीं आ सकता, ये नामुमकिन है। मुमकिन है? नामुमकिन को मुमकिन बनाती है पुलिस। लेकिन इस नामुमकिन को पूरे शहर की पुलिस भी मिल जाए ना तो भी मुमकिन नहीं बना सकती। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है कि मंटो साहब बाहर नहीं आ सकते क्योंकि वो कहीं और से आ रहे हैं। वो रहे, है जी, तो फिर आप वाकई घर पे नहीं थे हैं? ओ जी, वारंट आए जी कराची से आपके लिए। फिर तो थक गए होंगे। हैं जी, कौन थक गया होगा? वारंट कराची से जो आए। चलो आज ही हम अदालत में जमानत की दरख्वास्त दायर कर देंगे और आज ही बेल बिफोर अरेस्ट भी हो जाएगी। हैं जी, क्या हो जाएगी? जमानत कबल अज गिरफ्तारी, बेल बिफोर अरेस्ट। ओ अच्छा अच्छा, चंगा जी चंगा, चलते हैं फिर मेरा ख्याल। खुदा बख्श। हाँ जी, मैं बंदोबस्त करता हूँ। चाय वाय पूछी हामिद वगैरह ने? और नहीं मंटो साहब जी, किधर पूछी। आई जाओ भाई, हामिद अंदर सफिया को कहो कि दो अच्छी सी चाय बना के भेज। मंटो साहब जी, तलाशी लेनी थी। ले लो तलाशी खुदा बख्श, ना बोतल है, ना पैसे हैं, ना पिस्तौल है, ले लो। नहीं नहीं जी, आपकी तलाशी नहीं लेनी जी, घर की लेनी। तलाशी क्यों लेनी है जी? नौकर आदमी है जी, आर्डर है जी ऊपर से। वारंट है तुम्हारे पास पक्के वाले? हाँ जी मंटो साहब, बिल्कुल है मेरे पास है। दिखाओ जी। आपको मुझ पे एतबार नहीं है जी? है यकीन तो तुम पे नहीं किया जा सकता खुदा बख्श। मंटो साहब जी, मैं दिखाता हूँ, ये ले जी। वारंट तो पक्का लाए हो अब के? मैं जरा अंदर जाके बताता हूँ कि तलाशी हो। जी मंटो साहब, आ जाओ यार, तलाशी ले। है जी, फिर इजाजत है जी। हामिद साहब, चलो चलो उधर देखो, उधर देखो, शाबाश। इधर आ भाई, अंदर जाओ, अंदर जाओ, कमरे में जाकर और निकलो। शाबाश, अलमारी में देखो, जाओ, शाबाश शाबाश। ये क्या बात, हमें ये अंदाजा तो था कि जज साहब सजा सुनाएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं थी कि 300 रुपए जुर्माना और 3 माह की कैद भी सुना देंगे। जमानत का बंदोबस्त तो किया हुआ था अपने एडवोकेट खुर्शीद साहब ने, लेकिन अब सवाल था 300 रुपए का। बस पैसों का बंदोबस्त करना था, सब इधर उधर भागे। मैंने रुख किया कृष्ण नगर का, जहाँ पे सब अदीब रहते हैं। बड़ी मुश्किल से पैसों का इंतज़ाम हुआ और चंद मिनट पहले जुर्माना अदा किया गया, जिसकी वजह से रात हवालात में गुजारने से बचत हुई। इतनी बदतमीजी उन्होंने पहले कभी नहीं की। किताबें क्यों ले गए? रूसी अदब में दिलचस्पी होगी उन्हें सफिया। वॉर एंड पीस पढ़ना चाहते होंगे। कोई और बात है? हाँ, कोई और बात तो है। एक फिक्र है मुझे सफिया, जो हर वक्त लाहक रहती। फिक्र? कौन सी फिक्र? आपको कौन सी फिक्र है? मुझे तो लगता है सारी फिक्रों का बोझ मेरे ही कंधों पर है। आप तो बिल्कुल बेफिक्र हैं। ठीक कहती हो सफिया। सोचता हूँ अभी तो लिखा कर गुजारा हो जाता है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, घर का, बच्चियों का। सब बातें मत करें साथ, कुछ नहीं होगा आपको। आप इंशाल्लाह अपने बच्चों को बड़ा होते देखेंगे। अयाशी की तो ऐसी की तैसी। बदमाश इंसान, बेगैरत, इतने अजीम आदमी, इतने अजीम लिखारी को तूने परेशान किया है? उसके घर में घुस के उसके बच्चों को दुख दिया तूने? तू शैतान है और
तुझ जैसे मर्दों पे मैं थूकती हूँ तुझ पर। और ये वर्दी जिसका टैका है ना, उठ उठ, मैं तुझे बताती हूँ इस वर्दी का क्या टैका है। चल देख, उतार उतार इसे। अरे घूमे, चल उतार इस वर्दी को। इस केस की पैरवी पूरे जोशो और उससे करना। ये हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इहाद से लेकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। ख्वाब समझती हो मंटू? कब से जानती हो तुम मुझे? हमेशा से। तुम जहां थे मैं वहीं थी। बंबई में, तुम बंबई में थी, तुम्हारे साथ बंबई में ज्यादती की गई और फिर बंटवारे पे तुम पाकिस्तान हिजरत कर गई। रास्ते में कई दफा तुम्हें लूटा गया, बर्बाद किया गया और अब तुम अपना मुकदमा लिए पाकिस्तान की सड़कों पे तरबतर भटक रही हो। मैं वो बेसहारा लड़की थी जो कुछ दिन के लिए तुम्हारे फ्लैट में आके रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाने पकाए थे, तुम्हारे फर्श को चमकाया था, मैंने तुम्हारे मैले कपड़े धोए थे और फिर एक दिन अचानक बगैर बताए मैं वहां से चली गई, किसी को इत्तला दिए बगैर। बगैर कुछ चोरी किए पहेली थी वो मामला हल नहीं हुआ था मुझसे। हाँ, क्या हुआ था उसके साथ? हम तीनों फ्लाइट में एक दूसरे पे शक करते रहे, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहे। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे बाकी दोनों साथियों में से किसी ने उसके साथ ज्यादती की थी। तुम तीनों अच्छे लोग थे मगर रोजगार के जबर में कुछ ऐसे जकड़े हुए थे कि किसी चीज का होश नहीं था। वो तुम्हारे मालिक मकान का छोकरा था, वो मारवाड़ी सेठ। मुझे उसका ख्याल क्यों नहीं आया? मैं खामखा अपने साथियों पे शक करता रहा। बड़ी है और ब्रेव गर्ल है ना। आज जाऊंगा इधारे, कहानी उस दिन अधूरी छोड़ के आया था, आज कर दूंगा मुकम्मल। इस बार पेशी पे कराची चले जाइएगा वरना आपके साथ साथ मेरे भी समान जारी हो जाएंगे। फिर तो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। मंटो साहब, ये दीवानगी आप पे ही सजती है। वो कहानी तो मुकम्मल हो गई ना, अब इस चुमारे में हमने आपकी जगह रखी है। कहाँ मुकम्मल हुई चौधरी साहब, उस दिन यही लिख रहा था, अधूरी छोड़ के जाना पड़ा। वो कागज फेंक तो नहीं दिए? ओ नहीं नहीं मंटो साहब, वो बड़े बड़े संभाल के रखे हैं। ये देखे, ये ली। अभी मुकम्मल कर दो। भाई
चल इधर। मंटो साहब, मंटो साहब। मंटो साहब तो नहीं है, आज भी तलाशी लेंगे? नहीं जी, आज तलाशी नहीं लेनी जी। फिर जी ओ, समन आया जी मंटो साहब के नाम कराची से, उन्हें परसों कराची पहुंचना है जी। कराची? हाँ जी। उनकी तो जमानत हो गई थी। तभी तो जी, वरना हम उनको पकड़ के नहीं ले जाते अपने साथ। बस आप उनको ताकीद से कह दीजिएगा जी कि परसों कराची चले जाएं, हैं? ये जी इस पे आप जरा ना अंगूठा लगा दें, आप दस्तखत कर दें, कोई गल नहीं है जी, कोई मसला। ओए पेंदे, जल्दी कर ये। नहीं शुक्रिया जी, ये नहीं जरूर सही है, याद करा के बता दीजिए। शुक्रिया। आओ सारे। किधर है तेरी फुलझड़ी? डंडा थले कर, डंडा थले कर। आ गई हूं मैं, हट। की तमाशा लाया है? तुम मैं और मंटो में क्या फर्क है? और तुम लोगों का दलाल ही तो है। और तू उसकी जुत्ती बराबर नहीं है। और ले चलो सारे के सारे। और चल, 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 नाजो भाई को तो हवालात में बंद कर दिया है। इंस्पेक्टर खुदाबख्श ने खुद रेड करके उन्हें गिरफ्तार किया है, और मैडम ताहिरा को भी। खुदाबख्श तो बहुत पसंद करता है नाजो को। मगर नाजो तो आपको पसंद करती है मंटो साहब, वो तो आप ही की किताबें पढ़ती है, आप ही के बारे में सोचती है। बस यही बात इंस्पेक्टर खुदाबख्श को बहुत बुरी लगी, और फिर जब आपके घर पर रेड की खबर नाजो को मिली तो वो तो गुस्से से पागल ही हो गई। फिर क्या, फिर जब खुदाबख्श कोठे पर आया तो नाजो ने उसे बहुत जलील किया। तो बंदोबस्त किया तुम लोगों ने, कोई वकील वगैरह? बस इसी सिलसिले में तो आपके पास आया हूँ, आपका तो मुकदमों का बहुत तजर्बा है, कोई अच्छा सा वकील करा दे। अब फीस हम मुनासिब दे देंगे, बस यह है कि वकील किसी के दबाव में ना आए और हमसे हमदर्दी रखता हो। उधर मसंग रोड पे जहाँ वकील बैठे, एक और कहानी मिल गई ना। ये नाजो अब खुदाबख्श से निगली नहीं जाएगी, उसे तो मंटो का कीड़ा काट चुका। वो सरकश हो गई। शाम को इंस्पेक्टर खुद आया था देने जी, और कह रहा था अगर आप नहीं आए तो उठा के ले जाएंगे। इदारे वाले भी यही कह रहे हैं कि कराची जाना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए भी। उन्होंने खुद ही कराची के टिकट भी करा दिए हैं। निगी का बुखार नहीं उतर रहा, और आपको पता है हामिद कह रहा था टाइफाइड भी हो सकता है। सुफिया मैं कैसे जाऊंगा ये सब कुछ अपने दिमाग पे, अपने जहन पे लेकर? जाना तो पड़ेगा ना, ये सब लोग कह रहे थे मामला बहुत सीरियस हो सकता है। अब्बा ट्रेन में बैठ के जाएंगे और दो चार दिन में ही कराची से वापस आ जाएंगे।
ठीक है? ठीक है। लेकिन निगी वादा करेगी कि वो दवाई बाकायदगी से खाएगी, ठीक है? पापा, मेरी भी तबीयत खराब है, मुझे भी दवा ला के देना। पापा ये झूठ बोल रही है। ये मुझे झूठी बोलती है, मैं तो झूठ नहीं हूँ। हाँ भाई, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती और कोई झूठा नहीं है इस घर में। और खबरदार जो नुच्ची को किसी ने झूठा कहा। मुझे लग रहा है तबीयत थोड़ी सी खराब तो है, ये मट्टू में दर्द हो रहा है, है ना? थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना? अच्छा, अब्बा जब आएंगे कराची से तो अब्बा वहाँ से लाएंगे सोहन हलवा। और अगर निग्गी की तबीयत तब तक ठीक नहीं होती सफिया, तो हम निग्गी को ले जाएंगे वो अच्छे वाले डॉक्टर के पास, वो जो यूं चुटकी बजा के ठीक कर देते हैं। जब मेरी तबीयत खराब हुई थी ना नुच्ची, तो डॉक्टर अंकल ने यूं चुटकी बजाई थी और अब्बा बिल्कुल ठीक हो गए थे। ऐसे? ऐसे। तुम्हारी तो चुटकी भी नहीं बजाने आती, ऐसे बजाते हैं। मेरी चुटकी ज्यादा अच्छी है, ऐसे बजाते हैं। हाँ भाई, नुच्ची की चुटकी जो है वो सब चुटकियों से अच्छी है। चलो बीबी, जाओ अपने घर। छुट्टी हो गई जी? हाँ छुट्टी हो गई। चलो भी उठो। उठो भाई। कुमे, अरे कुमे, इधर आ, इधर आ। ये सारा बंदोबस्त तूने किया है ना? मैंने नहीं, वो मंटू साहब ने वकील करके दिया है। मंटू ने? मां मैं कहती थी ना, वो हमारी मदद को जरूर आएंगे। लेकिन नाजो, उसकी मदद को कौन आएगा? चलो बीबी, चलो चलो चलो, यहां से घर जाके मिलो, जाओ। जमाने में मर्द औरत बन सकता है या औरत मर्द बन सकती है, तो क्या वजह है कि इंसान बंदर नहीं बन सकता? बंदर कहते हैं कि इंसान हमसे बने हैं, और सिर्फ गुमराही के बायस। क्या इंसानों के पास इसका कोई जवाब है कि वो हमारी बिगड़ी हुई शक्ल नहीं? इंसान कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि हम असलन बंदर थे, लेकिन ये सिर्फ हमारी कुव्वत इरादी, हमारी शबो रोज की कश्मकश, हमारी रूहानी बेदारी थी, हमारा फिक्र अमल था, हमारी इर्तकाई जिद्दोजहद के हम इस आला मकाम पर पहुंच गए। एक दौड़ थी जिसमें हम जीत गए और बाकी हार गए। जो हारे हुए हैं वो अभी तक बंदर के बंदर हैं। और इंसान बंदरों को देखकर सोचता है कि अगर बंदर से इंसान बनकर वो इतनी कयामतें ढा सकता है, तो वापस बंदर बनकर खुदा मालूम क्या कुछ नहीं कर सकता। तवेले की बला। अजय कुमार, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? नहीं, बल्कि बहुत अच्छी लगती है। मैं भी तुम पे फरिश्ता हूँ। अच्छा, जैसे चलवे में जहांगीर पर, जुगनू में शौकत रिजवी पर, या तानों के तीर मत मारो अजय, क्योंकि मुझ पर उनका कोई असर नहीं होता। हाँ मगर क्यों, तुम क्यों इतनी दिल फेंक हो? तुम नहीं समझोगे अजय कुमार, अक्सर लोग नहीं समझते। जब मैं कोई खूबसूरत चीज या खूबसूरत मर्द देखती हूँ, तो मेरे दिल में गुदगुदी होने लगती है। मेरा दिल करता है कि मैं उसे, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखती रहूं। जैसे छोटी सी बच्ची कोई प्यारी सी गुड़िया देखती है तो उसका दिल मचल जाता है। जैसे बाग में खिला हुआ फूल मिल जाता है तोड़ के अपने बालों में लगा ले, बिल्कुल वैसे ही। तो क्या सारा बाग उजाड़ दोगी तुम? अजय कुमार, एक बात याद रखना, तो नूर जहां हुस्न परस, हवस परस नहीं, समझे?
शॉट रेडी है मेरा। आपको चलने की कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। भाई बहुत शुक्रिया यास्मीन, थैंक यू। लेकिन सारा क्रेडिट तो बेगम साहिबा को मिल रहा है, आपने डायरेक्टर के तौर पर उनका नाम जो दे दिया है। भाई इससे क्या फर्क पड़ता है कि क्रेडिट किसको जाता है, सारी इंडस्ट्री जानती है कि फिल्म किसकी है। हाँ क्या हुआ सर? वो ठीक है, तुम जाओ। जी सर। फजली साहब जी, आपके हीरो हीरोइन रिहर्सल कर रहे हैं, कब कर रहे हैं उनका सीन? उनका तो कोई सीन नहीं है अब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। दो आबाश मर्दों के हमरा सफर कर लेंगे आप? कौन आबाश मर्द? मेरा इशारा अपने और अपने दोस्त की तरफ है। बिरादराना और मुअद्दबाना मशवरा यही है कि चूंकि आपके हमरा एक बुरका पोश और बाहया बेगम हैं, तो आप किसी और कंपार्टमेंट में तशरीफ ले जाएं। गार्ड साहब आप हमें किसी और कंपार्टमेंट में जगह दे। जो सीट मिली है इसमें क्या कबात है मौलाना साहब? वो शरीफों वाला कंपार्टमेंट नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? चलें खुद चलकर देख लें। आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? चलिए तो सही, चलें चलें आप। अरे मंटू साहब आप, तौफीक साहब ने मुझे बताया था कि आप कराची के लिए सफर कर रहे हैं और आपका खास ख्याल रखूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आप किस कंपार्टमेंट में हैं। गार्ड साहब यही हैं, यही तो हैं वो खतरनाक गुंडे, तलाशी लीजिए इनकी, गिरफ्तार कर लें इनको, उतार देने इस ट्रेन से। मौलाना साहब कैसी बेकार बात कर रहे हैं, ये सादत हसन मंटो साहब हैं, मशहूर अफसाना निगार। वो फहाश अफसाने लिखने वाले, फिर तो जरूर तलाशी लीजिए इनकी, हो सकता है दो चार फहाश तहरीरें बरामद हो जाए इनके पास से। मौलाना साहब आप अपनी जबान पे ना कंट्रोल करना सीखें, ये मौजिज़ शहरी हैं और हमारे ऑफिसर तौफीक साहब के अजीज हैं। जाएं आप अपने कंपार्टमेंट में और मंटो साहब को तंग मत करें। कमाल है, शराबियों और औबाशों की इज्जत होती है, शुरफाओं को धक्के मिलते हैं, क्या जमाना आ गया। वो देखो वो लड़का किस सादत मंदी से जनाना डब्बे में सामान पहुंचा रहा है। हाँ शायद बीवी हो उसकी जनाना डब्बे में। अव्वल तो ये कि ये इसकी बीवी नहीं, क्योंकि अगर ये इसकी बीवी होती तो वो इकट्ठे सफर कर रहे होते, अलग अलग डब्बों में नहीं। और अगर ये वाकई इसकी बीवी होती तो इतनी जाँ फिशानी से इसकी खिदमत ना कर रहा होता। ख्वाब देख रहा है अपने दिल में कहानियां बुन रहा है। क्या होगा क्या होगा पता नहीं अब क्या होगा, तुम बाद मुझे दिखलाओगे। साथ न पाओगे
चांद हमारे हो गंदे हो पर प्यारे हो आना है उसे जाना है तुम जहां से रेल से उतरो की वही मंदिर का बताओगा मुझे अपने घर को जाना है एक धंधा बहुत पुराना है तुम नुक्कर पे रुक जाओगे और थोड़ा सा पछताओगे कोई और अफसाना लिखते कमबख्त नहीं बेगम अब उसका कलम टूट जाएगा इस मंटो कमबख्त ने तो हमारी नींदें आराम कर दी हैं अब तो सोने के लिए लेटती हूं तो लगता है जैसे हमारे दरमियान लेटा हुआ है ओए नाजो मुझको माफ कर दे नाजो मैंने तुम लोगों के साथ बड़ी ज्यादती की है मुझे माफ कर दे नाजो अच्छा चलिए उठिए ना अरे उठिए बताइए क्या हुक्म है हमारे लिए ओए हुक्म नहीं है नाजो दरख्वास्त है मुझको माफ कर देना है ठीक है तो हम आपको माफ कर देते हैं और आप हमें हिसाब बराबर हो जाएगा ठीक है ना बड़ी मेहरबानी नाजो नाजो जरा डी आई जी साहब को जरा एक फोन कर देना है करा सब कुछ ठीक है ठीक है आजकल शहर के लाइन आर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है कभी भी शहर में कर्फ्यू लग सकता है बट तुम परेशान ना हो तुम लोगों का मसला मैं हल कर दूंगा आप लोगों से दरख्वास्त है आप घरों को तशरीफ ले जाएं शहर के हालात अच्छे नहीं है मैनेजर जी कैफे बंद करो फटाफट चलो बाहर निकलो
मेरा ज़मीर बागी हो गया है, सोता ही नहीं। मैं इसे बहुत सुलाता हूँ मगर ये किसी शरारती बच्चे की तरह आंखें खोलकर मुस्कुराने लगता है, जैसे कभी सोया ही ना था। मैंने निग्गी से वादा किया था उसे समंदर देखने का, ऊँट की सैर करने का बहुत शौक है। मेरी बच्ची लाहौर में बीमार पड़ी है और मैं यहाँ क्लिफ्टन के साहिल पे खड़ा। कैसा बदबख्त आप हूँ, अपनी बीमार बच्ची को किस हालत में छोड़कर मैं यहाँ चला। उसे इस वक्त मेरी ज़रूरत थी, मैं यहाँ मौज मस्ती कर रहा हूँ। नहीं मंटो साहब, आप बहुत अच्छे और प्यार करने वाले बाप हैं और आप यहाँ मजबूरी के आलम में आए हैं, सैर सपाटे के लिए नहीं, वरना वो ज़बरदस्ती आपको यहाँ ले आते। कल अदालत में पेशी है। ये लोग मुझे चैन से क्यों नहीं जीने देते, और कितना जलील और कितना रुसवा करेंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, ये मुझे बहुत कुछ लिखना। ये लोग मुझे लिखने क्यों नहीं देते, मुझे मेरा काम क्यों नहीं करने देते। मैं और तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मंटो साहब, आप अपना काम करते रहिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मुकदमे कर देंगे, समन भेज देंगे, सरजनश कर देंगे, मगर जो बाकी रहेगा वो आपका काम होगा, और जो जिंदा रहेगा वो आपका नाम होगा। ज़ाहिर बहुत सरकश नजर आता हूँ मैं, अंदर से बहुत कमजोर और इनसिक्योर। कमाल है, मुझे 3 माह से बुलावे भेज रहे थे, लाहौर से कराची बुलवा लिया और खुद मेरी कहानी पढ़ने की जहमत तक नहीं की। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा मसरूफ यही है, बाकी सब फारिग बैठे हैं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी आपको, मैं दूसरे मजिस्ट्रेटों की तरह फिरौन मिजाज नहीं था, मुअज्जब आदमी। इससे पहले किसी जज ने आपको कुर्सी नहीं पेश की थी। हाँ, मैं तो हैरान हो गया था जब उसने मुझे तशरीफ रखने के लिए कहा। मैंने कहा पता नहीं किसे तशरीफ रखने का कह रहे हैं, कासा मुअज्जब और पढ़ा लिखा मजिस्ट्रेट। वैसे आपने नोटिस किया था वो लाहौर का वकील गोंदल भी आया हुआ बड़ी तैयारी के साथ। इसकी तरफ से? मियां मज़हर बशीर की तरफ से, और किसकी तरफ से? मगर वो तो इस केस में करीब साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं मियां। रियासत बनाम सादत हसन मंटो हाजिर हो। मंटो साहब, मैं वो मतनाज़ा कहानी पढ़ चुका हूँ, आपको अपने दिफा में कुछ कहना है? मैं इकबाले जुर्म करता हूँ। क्या आप जुर्म तस्लीम करते हैं? जी जनाब, मैं तस्लीम करता हूँ कि मैंने ये कहानी लिखी है। मुझे सजा दें ताकि ये तकलीफ दे बाप खत्म हो। आप एतराफ़ जुर्म करते हैं तो फिर मजीद कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं है। जनाब आला, मैं कुछ कहने की इजाज़त चाहता हूँ। आपकी तारीफ जी, मैं लाहौर से आया हूँ और मुफाद आमा के तहत कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। आपका इस मुकदमे से क्या था? आप इस्तगासा की तरफ से हैं या फिर दिफा की तरफ से? जी मैं ना इस्तगासा की तरफ से हूँ और ना दिफा की तरफ से। आप फिर खामोशी से बैठ। मगर जनाबे वाला, इस तरह तो ये छूट जाएगा और इसकी हरकतें अदालत के सामने नहीं आ सकेंगी। मुल्ज़िम इकबाल जुर्म कर चुका है, इसलिए अब अदालत सिर्फ सजा का तायुन करे। क्या तारीख है आज? 25 तारीख। 25 रुपए जुर्माना। चल मैं भी रेडी हूं, चलिए। छेती छेती आज चन्न दो पे खिले। क्या करूं सौरत का, कैसे अपने भाई को बचाऊं इसे? तुम नहीं बचा सकते उस्ताद जी, बल्कि वो तो खुद भी खुद को नहीं बचा सकता। जो किस्मत में लिखा हो वो होकर ही रहता है। तनु पूछा मैं, क्या फायदा हुआ आपकी तमाम फुर्तियों का, तमाम सिफारिशों का,
इतने खर्चे का क्या फायदा हुआ? मामूली सा मफलिस शराबी अदीब आपके काबू नहीं आ सका। मियां साहब, हमने तो पूरी कार्रवाई कर ली थी, अदालती मामला भी तय कर लिए थे और कानूनी दलाइल का भी सारा बंदोबस्त था। फिर अचानक उसने इकबाल जुर्म कर लिया जी। मैंने तो पूरी कोशिश की, बल्कि मजिस्ट्रेट से डांट भी खाई। और वो जुर्माना क्या मजाक है, इतना कम? मियां साहब, मेरी इत्तला के मुताबिक तो जुर्माना 500 रुपए होना था, फिर अचानक उसे काट कर 25 रुपए कर दिया। 25 क्यों? उस दिन 25 तारीख थी शायद, इसलिए। पहली तारीख होती तो क्या जुर्माना 1 रुपया होता? अज्जू, अज्जू, सफिया, निगी कैसी है? ठीक नहीं है। डॉक्टर क्या कहते हैं? टाइफाइड है, दवा लिख कर दी है। मंगवाई? 2 दिन की मंगवाई थी। सफिया, आमतौर पे बचा के तो रखे होते हैं तुमने पैसे। नहीं, जमा करके मंगवाई थी। फिक्र नहीं करो, कुछ इंतजाम करता हूँ, कुछ भी कर लूंगा, इदारे चला जाऊंगा, दोस्तों से मांगूंगा। कल सुबह तक चाहिए ये दवाएं, 200 रुपए बहुत जरूरी है, वरना निकी की हालत खराब हो सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें मैडम की निगरानी करनी है बहुत एहतियात से। तुम्हें मालूम करना है कि वो कब कहाँ किसके साथ होती है और कितनी देर उस शख्स के साथ रही। समझ गए मेरी बात? जी सर, समझ गए। और मेरे साथ मुसलसल रابطے में रहना। सुना है शहर में बहुत गड़बड़ चल रही है। हाँ, रात को घर जाते हुए काफी दिक्कत पेश आती है, और अगर कर्फ्यू लग गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। शौकत, अगर हम स्टूडियो में हों और कर्फ्यू लग जाए तो हम अपने अपने घर कैसे जाएंगे? पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक ठीक 6:30 पर लाहौर और इसके गिरदनामा में कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाएगा। कर्फ्यू के फवायद और समाप्त के बारे में तफसीलात वक्तन फवक्तन बुलेटिन के जरिए नशर की जाती रहेगी। फौजी दस्ते शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी किस्म का एहतजाज और कानून की खिलाफ वर्जी काबिल सजा है। एक अच्छी खबर है। क्या? शहर में कर्फ्यू लग गया, अब हम घर नहीं जा सकते, अब हमें यही रहना पड़ेगा। ठीक है मंटो साहब, मैं ये रख लेता हूँ। रकम चौधरी साहब, कम तो एडजस्ट हो जाएगी ना वो कराची के खर्चे में मंटो साहब। वो ऑफर तो आपने खुद की थी चौधरी साहब, वो उधार तो नहीं थे मंटो साहब, वो हालात की मजबूरी थी। हम आपके काम आए, हमारा भी कारोबार है, वो हिस्सेदारों को जवाब देना होता है मंटो साहब। मुझे सब बहुत जरूरत है पैसों की। वो जरूरत किसे नहीं होती मंटो साहब। चौधरी साहब, मुझे वाकई बहुत ज़रूरत है, मेरी बेटी बीमार, दवाई खरीदनी है मुझे, उधार दे दें। उधार मोहब्बत की कैची है मंटो साहब। चौधरी साहब, मुझे अशद ज़रूरत है इस वक्त, मैं कोई कहानियों की किताब मुरतब कर दूंगा आपके लिए, उसका एडवांस दे दें आप। मंटो साहब, दस्तखत कर दें। मुझे ज्यादा चाहिए चौधरी साहब। वो मंटो साहब, अभी इतने ही है, मैं सुबह बैंक से निकलवा के दे दूंगा। मुझे और रकम चाहिए, पूरी कहानियों की किताब के लिए दस्तखत कर दिए मैंने आपको, आप मुझे 25 रुपए दे दें। कर्फ्यू लगने में 15 मिनट रह गए, वो मंटो साहब टी हाउस चले जाओ, शायद हो कोई वहां पर। ज्यादा तो नहीं है,
पर जो भी है तो हाजिर हूँ। दवा लेने गए थे, अभी तक नहीं आए। दवा नहीं लाए अभी तक? मुझे बताया होता, जरूरी थी वो तो। वादा करके गए थे हामिद कि वो लेकर आएंगे। अमरजान क्या हुआ है? अमरजान अब ठीक तो है? अमरजान मेडिकल स्टोर वाले को बोला, उसको मैंने कहा कर्फ्यू से पहले मुझे दवाई दे दे। वो फौजियों के सायरन बजने लग गए वहाँ पे, वो कर्फ्यू लग गया। 10 रुपए रिश्वत ली उसने मेरे से, उसे दवाई फिर भी नहीं दी। मैं निकी की दवाई लेने ही गया था, साइकिल वाले की साइकिल भी मेरे पास थी। वो आपके पास वक्त भी था और पैसे भी। निकी को रात की डोज नहीं मिलेगी। चुगा दो, मैं क्या करूं? चुगा दूं मैं क्या करूं? तो चुगा हो जाता है। गिर गया, मैं ढूंढ रहा था। ले आए हो तो एक मेडिकल स्टोर है, सुबह सुबह ही खुल गया था। अकेले तो नहीं हो बंटू? मेरे साथ कोई नहीं, कोई मुझे समझता नहीं। मेरे घर वाले मुझे हर हालत की नजर से देखते, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते। तुम्हारे किरदार तो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी कहानियां तुम्हारा खानदान है, तुम्हारी बेटियां हैं। अपने दोस्तों को पहचानो, उनकी मदद करो, वो तुम्हें समझते हैं, तुम्हें कबूल करते हैं बगैर किसी शर्त के। इंडिया से आए तुम्हें इतने दिन हो गए, बताया तक नहीं मुझे। सालिम बस सरकारी एंगेजमेंट्स में मसरूफ, कहीं इस्तकबालिया, कहीं इंटरव्यू, कहीं मुलाकातें। तो एक इंटरव्यू मुझे भी दे दो ना। कब दे रहे हो?
कर्फ्यू का जमाना है नूरी जी। तुम्हारे और मेरे बीच में कर्फ्यू कैसे आ सकता है? मैं सारे इंतजाम कर दिए, बस तुम समनाबाद वाले घर में पहुंच जाना। चाबी है ना तुम्हारे पास? है तो सही, मगर क्या सही रहेगा इन हालात में मिलना? देखो, नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी, और अगर मैं तुम्हारे घर पहुंच गई तो रात से पहले तो नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा, पहुंच जाऊंगा। मिंटू साहब, तनु कोई मिलन आया? कौन? एहतशाम ये ऐसे ही कुछ नाम बता रहा है। क्या तुम जाओ, मैं देखती हूँ। कैसे हो? आप इधर ही खड़े रहेंगे और अलविदा की झप्पी भी इधर ही दे डालोगे क्या? अच्छा कि आ गए मिलने। अच्छा, वो साथ में मेरे दोस्त रहते हैं प्रोफेसर असर, उनके घर चल के बैठते हैं। क्यों, इधर क्या है? बच्चे की तबीयत खराब है। कौन सी वाली? बड़ी वाली, वही जो बंबई में पैदा हुई थी, निगत। चलो। असर साहब, असर साहब, ये मेरा जिगरी दोस्त, बहुत पुराना और बहुत प्यारा, श्याम, अब तो मशहूर फिल्म स्टार है बंबई में। लो, इन्हें कौन नहीं जानता। आओ अंदर, आइए आइए। और सुनाओ मंटो, कैसे हो तुम? क्या कर रहे हो? कई बार खत भी लिखे थे तुम, एक का भी जवाब नहीं मिला। कुछ रकम भी भेजी थी, उम्मीद है वो मिल गई होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत काम आए वो रुपए। मैं बहुत लोग वहां पे याद करते हैं मंटो। बंबई अब भी मेरे दिल में बसता है। तो लौट आओ, अब तो मिर्जा गालिब भी कामयाब हो गई है, बहुत काम है। जो शहर एक दफा छोड़ दिया वहां वापस कभी लौट कर नहीं गया। अमृतसर, अलीगढ़, दिल्ली, बंबई, सब स्टेशन गुजर गए। अब मेरा डब्बा लाहौर स्टेशन पे खड़ा है, और वो भी बगैर इंजन के। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अरे इतने तो हाथ भी नहीं है जितने फूल दे चुके हैं आप लोग। यास्मीन, अरे गिरने वाला है। नहीं, नहीं। शुक्रिया आपका। नूर जहाँ किधर है? रिजवी भाई आते ही होंगी ये ले। श्याम जी, बहुत बड़े स्टार बन गए आप। मुबारक को भाई, बड़े दीवाने ये दुनिया आपकी, इधर भी और उधर भी। बस देखिए, बल्कि आपका चर्चा तो लाहौर से बंबई तक, बल्कि कलकत्ता तक हो गया। मंटो जी, मैं नहीं बोलती आपसे, आपने वादा किया था मुझसे मिलेंगे और नहीं मिलने आए। क्या बताऊं नूरे जहां, बस अभी कराची से आ रहा हूं, एक मुकदमा भुगत। मंटो जी, जितने मुकदमे आप लड़ते हैं इतने मुकदमे तो कोई वकील भी नहीं लड़ता होगा। आइए चाय की तरफ बढ़ते हैं। चाय? ये पाकिस्तान आकर आप लोगों को हो क्या गया? मंटो ने भी छोड़ दिए। सच्ची मंटो जी, मैंने आपसे यही बात करी। बताओ, उस दिन जब मैं घर आई थी सफिया बाजी ने मुझे यही कहा था, अच्छा किया छोड़ दी पूरी चीज, छोड़ी रखिएगा। किसी मोहतरमा की बात हो रही है क्या? हाँ जी, अंगूर की बेटी की बात हो रही, कमबख्त की। हाँ क्यों नहीं, श्याम जी आइए ना। कर्फ्यू के दिनों में हीरा मंडी जाओगे? अरे वो शौकत है ना, उसने इंतजाम कर दिया है। तुम चलोगे? नहीं, घर जाऊंगा, वो बताया था ना निकी की तबीयत खराब है, बल्कि बस निकलता हूँ। हाँ अच्छा, फिर भाभी को सलाम कहना और बच्चों को प्यार देना मेरा। जाओ। नजर जी, कहाँ होते हैं आप? आप तो मुझसे भी ज्यादा मसरूफ हो गए हैं, कभी इंग्लिस्तान कभी हिंदुस्तान। आप ही मसरूफ होती हैं आजकल, कभी एक फिल्म कभी दूसरी, म्यूजिक अलग, काफी हिट हो रहे हैं आपके गाने आजकल। सर वो समनाबाद वाले मकान में चली गई। और कौन है वहां?
ये मालूम नहीं है सर, लेकिन वहां नजर का मोटरसाइकिल खड़ा है। वाले को मैं एक बार, मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, मुझे दवा चाहिए। दवा ले आए मैं अपनी बच्ची को खुद दवाई पिलाऊंगा। निग्गी रात की दवा पी चुकी है साथ साहब, आप अपनी दवा लें और जाएं यहाँ से। मुझे दवा नहीं चाहिए, मैं निग्गी की दवाई लेके आया हूँ, उसकी खुराक बताओ ना कितनी है। साथ साहब आपके मुँह से बहुत बू आ रही है, आप जाइए यहाँ से। बोला पान खाया ना उसकी खुशबू। मैं क्यों जाऊं यहाँ से, मैं बाप हूँ इसका, किसी के पास अपने ये कोई बच्चे को अपने बाप से दूर करे। मैं साथ साहब आप जाइए, उसने दवा पी ली है। हामिद, 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 हामिद नीचे आओ। और मतलब मुझे किसी के पास ये हक नहीं है कि वो एक बाप को अपने बच्चों से दूर करे। हाथ मतलब आओ, मुझे जान लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहूंगा। बाद जी सर, पीछे का रास्ता देखो और तुम दोनों बाहर जाओ, तो मेरे साथ आओ। जी सर। दरवाजा खोलो दो। से बाहर, और जो हड्डियां बाकी बची हैं वो भी तोड़ दो। खबरदार किसे हाथ लाया। साथ साहब साथ साहब हामिद जल्दी आओ। आप लोगों ने बहुत देर कर दी, इनका लिवर सिरोसिस बिगड़ चुका है, इनके अल्कोहल कंजप्शन पे कंट्रोल करना चाहिए था। कोशिश तो बहुत करती हूँ, डॉक्टर साहब वहां से नहीं आते। मैंने कुछ और टेस्ट लिए हैं, उनकी रिपोर्ट्स आ जाए तभी कुछ कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगे ना? अभी कुछ कह नहीं सकता, आप लोगों को पहले से बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए थी। मर तो जाऊंगा ना डॉक्टर साहब। मर तो साहब मैं चलता हूँ, इंसान ही इंसान की बात है। मुबारक हो थानी साहब, आपको रेडियो पाकिस्तान में मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। यानी तुम भी मुअज्जज लोगों में शामिल हो गए हो। हम कब मुअज्जज नहीं थे मजीद अमजद। तू नावल भी तो लिखता है उस मकरू नाम से, क्या नाम है वो वही वानवी। हाँ वही वानवी। आप ही लिखते हैं ना वो? लिखता था, अब तो मेरे नाम मतलब उस नाम से पता नहीं कौन कौन लिख रहा है। मुझे एक बात समझाओ, क्या ये शख्स पूरे मुल्क में बीमार किस्म की जिंसी कहानियां लिखता है, माल बनाता है, कोई इससे बाज पुरस नहीं करता, और बिलाखिर रेडियो पाकिस्तान में मुलाजम हो जाता है, बड़े बड़े अखबारों में कॉलम लिखता है, कोई प्रेस ब्रांच इसे नहीं पूछती ना अदालत इसे तलब करती। और यार दूसरी तरफ मंटो, सच्चा खरा और आला पाए का अफसाना निगार,
मुकदमे भुगत भुगत के आजिज आ जाता है और अंदर ही अंदर सुलग सुलग कर अब अस्पताल में पड़ा है जिंदगी और मौत की कश्मकश में। क्या सारे जुल्म और सारी जिल्लतें सच्चों के लिए ही रह गई हैं? क्यों थानवी साहब, आप देंगे इसका जवाब? मैं मंटो की तरह रोज एक कहानी लिखकर या भीख मांगकर जिंदा नहीं रह सकता। वैसे भी मैं अब वो सब छोड़ चुका हूं। हाय, सलाम अलैकुम आज। कहा था ना तुम्हें, मना भी किया था, आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। तुम ठीक हो जाओगे, खेल सकोगे, नजर परेशान ना हो। I'm finished! अल्लाह ना करे, मैं डॉक्टर से बात करती, तुम ठीक हो जाओ। वो डॉक्टर है कोई मसीहा नहीं। नामुमकिन को मुमकिन नहीं बना सकते। देखो जा रही हूं, लेकिन तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मंटू, मैं आ गई हूं, अब तुम अकेले नहीं हो। आने दो मुझे। तुम सो जाओगे, मैं तब भी तुम्हारे पास ही रहूंगी। तुम्हारी हम साथ हूं। कहा था तुमने कि हम इकट्ठे पैदा हुए हैं और इकट्ठे ही मरेंगे। तुमने मेरी जुबान में अपनी कहानी लिखी थी, तुम कहो तो सुना। वो अपने बाप का आखिरी बच्चा था, उससे बड़े तीन भाई थे मगर सौतेले। और मंटू अमृतसर में मैट्रिक में पै दर पै फेल हो रहा था। लोग कहते हैं वो उर्दू का बड़ा अदीब है, मगर उर्दू उसे अब भी नहीं आती। वो लफ्जों के पीछे यूं भागता है जैसे जाल वाला शिकारी तितलियों के पीछे। बचपन में मैंने जो कुछ चाहा वो पूरा ना होने दिया गया। मेरी हर ख्वाहिश कुछ इस तरह पूरी की गई कि उसकी तकमील मेरे आंसू और हिचकियों से की गई। तुम शुरू से ही जल्दबाज और जूद रंज रहे हो मंटो, पर अब मेरा दिल दर्द से भर गया है। यही वजह है कि मैं बीमार हूँ, बहुत बीमार। जब तक दर्दमंदी तुम्हारे सीने में मौजूद है, तुम हमेशा बेचैन रहोगे। इस दर्दमंदी ने मुझे कैसे भयानक दुख दिए। मेरी जवानी के दिन बुढ़ापे की रातों में तब्दील हो गए हैं। मैं बहुत मुफलिस हो चुका हूँ। नहीं, तुम माली मुफलिस हो, जहनी मुफलिस नहीं। खुदा का शुक्र है तुम जो कुछ महसूस करते हो अपनी जबान में बयान कर लेते हो, दूसरों की जबान बोलकर अपना सीना खाली नहीं करते। लोग कहते हैं मैं साफ और सीधी सड़क पर नहीं चलता, बल्कि तने हुए रस्से पर चलता हूँ। वो हर वक्त इंतजार में रहते हैं कि अब गिरा, अब गिरा। लेकिन तुम कभी नहीं गिरे मंटू। लेकिन अगर अब गिरा तो फिर शायद कभी उठ ना सकूं। लोग मुझे गैर मजहबी और फौश इंसान समझते हैं, कहते हैं मैं अक्सर गंदे मौजूआत पर कलम उठाता हूँ। मैं वो मंटू जिस पर फौश निगारी के कई मुकदमे चल चुके हैं। लेकिन तुमने जब भी कोई मजमून लिखा, पहले सफ़े की पेशानी पर 7-8 जरूर लिखा बिस्मिल्ला। वो मंटू जो अक्सर खुदा से मुनकर नजर आता है, कागज पर मोमिन बन जाता है। तुम साफ हो,
पाकीज़ा, तुमने मज़लूमों का दर्द सहा, गुनाहगारों के गुनाहों का कफारा अदा किया है, ग़लाज़त से लिथड़े हुओं की ग़लाज़त को अपने ऊपर ले लिया है। खुद को इल्ज़ाम मत दो, अभी तुम्हारी कहानी का अंजाम नहीं हुआ। मंटो, मंटो सर, कब आए तुम लोग? काफी देर हो गई, आप गहरी नींद में थे, बेहोशी। सुबह हो गई। हमारी तो रात के साथ दोस्ती है भाई। रात को तो कर्फ्यू लगता है, कर्फ्यू से कैसे बच गया? कर्फ्यू उठा लिया गया है। मेरी दवाई लाए यहाँ अस्पताल में। दवाई अस्पताल में ही दी जाती है। मैं अपनी दवा लाया हूँ, तुमसे थोड़ी सी शेयर कर सकता हूँ। अनवर, सच्चा दोस्त वही होता है जो जरूरत पड़ने पे दोस्त के काम आए। नूर, पीछे से आवाज देने वालों से सख्त नफरत है मुझे। हाँ बोलो, क्या बात है? शाम को वकील आएगा कागजात लेके, तैयारी कर लो, मैंने तुम्हें तलाक देने का फैसला कर लिया है। अच्छा फैसला किया, ऐसी लाइक हो और आप भी इसी के मुस्तहिक हैं। तो तुम तलाक लेने के लिए तैयार? हाँ, मैं आज जो भी हूँ अपनी वजह से, अपनी हिम्मत, अपनी कोशिश, अपने हुनर की वजह से। मैं देखता हूँ मेरे बगैर तुम्हारा करियर कैसे चलेगा, कौन देगा तुम्हें फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट्स और कौन देगा तुम्हें गाने। शौकत हुसैन रिज़वी के बगैर तुम कुछ नहीं हो, यू आर फिनिश्ड। अल्लाह वसाई। अल्लाह वसाई, अपने बल पे नूरजहां बनी थी शौकत, और ये जो तुम्हारी गोपियां जिनके अंदर बैठ के तुम खुद को राजा इंदर समझते हो ना, ये तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगी और रह जाओगे अकेले तुम। मैं अकेला कैसे हो सकता? मेरे साथ मेरा स्टूडियो है, मेरा हुनर है, मेरे बच्चे हैं। शौकत, बच्चे वहीं रहेंगे जहां मां रहे। मैं उनका बाप हूं और इस शहर के मुअज्जिज़ीन में से हूं। मेरे पास दौलत है, इज्जत है, वसाइल है, जाहिर है वो मेरे साथ ही रहेंगे। मैं उनकी माँ हूँ शौकत, बच्चे भी बहुत छोटे, मेरे बगैर नहीं रह सकते। डोंट माइंड नूर, लेकिन मैं अपने बच्चों को एक ऐसी औरत के पास नहीं छोड़ सकता जो लूज कैरेक्टर की हो। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी शौकत। मैं ऐसा ही करूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, सिर्फ मेरे बच्चे मुझे दे। बच्चे मेरे साथ रहेंगे। मैं पहचानी नहीं, मैं जी नाज़नीन हूं। अच्छा, आपको इतराज तो नहीं हुआ जी? किस बात पे? मेरे आने पर मुझसे रहा नहीं गया जी, मैं इनकी सारी कहानियां पढ़ती हूँ। ये तो आते जाते रहते हैं ना आपकी तरह। की तबीयत बहुत खराब है जी, जिगर का मसला है ना, इनको एहतियात करनी चाहिए। पता नहीं कहाँ कहाँ छुपा के रखते हैं बोतलों को। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, मैं अब इनके साथ बहुत सख्ती करूंगी। अगर मुलाकात हुई जी, आप हमारे घर आ जाए ना। कैसी बातें कर रही हैं, मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकती, लेकिन मैं दुआ करूंगी। अब्बास ये खातिर मदारत अब्बास कर, ये मक्खन लगाना और मक्खन खड़ाना बहुत हो गया, और ड्यूटी छोड़कर आया हूँ, काम बता। मेरा एक काम तो कर दे। ये
ये पैसे पैसे उन्हें दे दिए, बल्कि उन्होंने ला दे उनकी बेगम को, सफिया बाजी को। बंदोबस्त नहीं तो डोनर ढूंढिए। क्या हुआ भाजी? अच्छा ये इंजेक्शन कितने के आएंगे? ये मुझे पता नहीं है, मैं पता करके आता हूँ। और खून चाहिए। खून? वो खून देने वाले बाहर बैठे हुए तो होते हैं, मैं देखता हूँ, लेकिन वो तो पैसे मांगेंगे। मेरे पास तो सभी है। सलाम पापी जी। गिरफ्तार करने आए उन्हें? नहीं पापी जी नहीं। ये जी मंटू साहब की कुछ इमारत है। मंटो साहब, कितनी दफा बताएं आपको आराम और सुकून की जरूरत है। तो शुक्र करता हूँ कि मुझे ये सुकून नामी बीमारी नहीं है। रिपोर्ट में क्या लिखा है डॉक्टर साहब? देखिए, लिवर पूरी तरह से डैमेज है, मजीद कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। हम भी कोशिश कर रहे हैं और आप भी दुआ कीजिएगा। उसने आपको खून दिया है, हाथ मिलाना चाहता है आपसे। मैं ठीक ठाक, आप कैसे मिंटो साहब? बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्बा, और कल से स्कूल भी जा रही हूँ। वो खून आपका है? नहीं बेटे, वो खून इन अंकल का है, इन्होंने डोनेट किया है अब्बा को। अंकल, आपको दर्द नहीं हुआ खून देते हुए? नहीं, थोड़ा हुआ, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वो क्यों? सादत हसन मंटो की रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है। आपके अब्बू एक बहुत अजीम इंसान है। अच्छा, मामा जी तो कह रही थी कि वो एक हजार है। मामा जी भी ठीक कहते। कैसे हैं मंटू साहब? जिंदा हूँ डॉक्टर साहब। फिर क्या इरादा है आपका? जिंदा रहने का इरादा। गुड, आपकी तबीयत काफी बेहतर हो गई है। मिसेस मंटो, इन पे कड़ी नजर रखिएगा, खाने और खास तौर पे पीने पे बहुत एहतियात की जरूरत है। अब आप बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे, तो घर जाने की तैयारी पकड़िए मंटो साहब। आपको अल्लाह ने नई जिंदगी दी आपको। हाँ, बहुत शुक्रिया।
मैंने शॉर्ट हैंड का कोर्स खत्म कर लिया है। गुड गर्ल। जॉब शुरू करना चाहती हूँ। तुम्हारे पास तो पहले इतने काम होते हैं। घर और बच्चियों के लिए आमदनी चाहिए, अब गुजारा कैसे होगा? फिर से लिखा मेरे खेत की बहुत मांग है और इसके लिए जो मुआवजा वो आपको देते हैं वो घर तक कैसे पहुंचेगा? रास्ते में ही खर्च हो गया तो? पहले भी तो ऐसा कई बार हो चुका है ना। मुझे कोई गारंटी चाहिए। कभी सालों से मैंने तुम्हें कुछ लेकर ही नहीं दिया, कुछ तोहफा ही नहीं दिया सफिया। बहुत सी जिल्लतें थी, अजियतें थी, लेकिन ये मेरा हक महर है, ये खत सब कुछ है जो मेरे पास बचा है। मंटू साहब ये ले मुआवजा। साद साहब ने अपनी तहरीरों के तमाम हकूक मुझे दे दिए हैं, अब रॉयल्टी और मुआवजा मैं वसूल किया करूंगी। चले ये तो अच्छा हो गया, आखिर इंसान बीवी बच्चों के लिए कमाता है, इस तरह डायरेक्ट हकदार को उसका हक मिल जाएगा और बीच में उचक लिए जाने का इम्कान भी खत्म हो जाएगा। दुरुस्त कह रहे हैं चौधरी साहब, और सफिया को भावताव करने का ढंग आता है, अब दुकानदारों की मजाल नहीं होगी कि वो कोई धोखा कर सके। आप भी जरा देखभाल कर दाम लगाइएगा। मंटो साहब हमने तो हमेशा अच्छे दाम लगाए और आपको एडवांस भी दिया हद में जरूरत, वो मकतबे वालों की तरह नहीं कि किसी की मजबूरी से फायदा उठाए। हैरत है, मकतबा वाले भी आपके बारे में यही कह रहे थे, हम अभी वहीं से आए। खैर ये तो उनकी कमजोरी है। अब भाभी वो हम मंटो साहब का मजमुआ छाप रहे, एडवांस हम दे चुके, तो बाकी के पैसे भी आप ही को देने होंगे। जाहिर है बिलाल। ओ बिलाल,
बेगम मंटो साहब को हिसाब दिखा दो और इनसे साइन भी करा लो। अनीफ, तुम्हारा तो भाई मैं बहुत बड़ा फैन, तुम्हारी बैटिंग तो कमाल की और तुम्हारी और नजर की जोड़ी की तो क्या ही बात। बहुत अफसोस हुआ जो कुछ भी नजर के साथ हुआ है। हम सबको बहुत अफसोस है, वो एक प्रॉमिसिंग खिलाड़ी था। अफसोस ना करो सबक आमोस, हम सब खिलाड़ियों को किसी भी हालत में किसी ब्रांड का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ मगर कप्तान साहब, खिलाड़ी भी तो इंसान ही होता है और इंसान का दिल भी होता है और कभी कभी दिल के हाथों इंसान मजबूर भी हो जाता है और फिर इंसान ऊपर से ठहरा खता का पुतला, तो खताएं भी होती हैं। फिर तो एक ही काम हो सकता है मंटू साहब, या दिल का काम मान ले या कप्तान का। ये भी खूब कही, लेकिन भाई ये जो ड्रॉ होने वाला सिलसिला है ये क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ। हम ड्रॉ करने के लिए तो नहीं खेलते मंटू साहब, जीतने के लिए खेलते। ड्रॉ तो हो जाता है, क्या नहीं जाता। ये भी ठीक कहा, हमारी बेगम बहुत अच्छा गोंगलू गोश्त पकाती हैं। पक रहा है, कश्मीरियों की एक खास डिश होती है, तो वो जरा घुट रहा है, उसमें टाइम लगेगा। बुलाया था टीम को, तब से ही बोली जा रही है। चलो कोई बात नहीं, हमें गपशप तो लगा रहे ना, वो भी बगैर पिए। क्रिकेट टीम से मिलकर आज बहुत खुश थे आप। इना छोड़ दिया मैंने, दवाइयां खिलाना और पिलाना नहीं छोड़ा। जब मैं अपना अक्स देखता हूं तो मुझे अपना चेहरा क्यों नजर नहीं आता? ये किस किस के चेहरे नजर आते हैं मुझे बताओ? किरदार है मंटू, किरदार तो मैं लिख चुका हूँ, मेरे कलम से निकल चुकी है। जाते क्यों नहीं, मेरा पीछा क्यों क्यों करते हैं मुझे परेशान? तुम्हारी तकदीर में लिखी जा चुकी है। बात सुनिए, आप कमजोर नहीं। मुझे चाहिए। हामिद, 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 अरे क्या हुआ? नीचे आ जाओ। क्या हुआ सादत? मेरे पास ना आए कोई, चली जाए यहाँ से, जाए। देखो अंदर क्या हो गया इसको। कोई ना आए मेरे पास। कोई ना आए मेरे पास।
इनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा हमें। वो कह चुके हैं वो जो कर सकते थे उन्होंने कर लिया। कोई ना मेरे पास। अनिल जानती हूँ मैं, इसे शराब चाहिए शराब। ये सारा ड्रामा इसीलिए तो कर रहा हूँ। मामा जी चुप करें आप। क्या तुम बच्चों को बाहर ना निकलने देना? क्या हमें? अरे नहीं नहीं सर, इनको नींद के इंजेक्शन की जरूरत है। अजू का डॉक्टर फीस फोन करता हूँ। आप बाहर रहे मामी जान। अजू अजू सास सास साहब मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ देखे। संभाल के सर पकड़ के रखिए इनको। साहब सुबह तक सोते रहेंगे, लेकिन ये आर्जी इंतजाम है। सुबह होने से पहले आप लोग सोच लीजिए कि क्या करना है। सुबह तो होने वाली है। एक ही हाल है मम्मी जान। मंतो साहब वापस आ गए। अरे अरे पागलो जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मंतो साहब आ गए, मंतो साहब आ गए, मंतो साहब आ गए, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मेरी शागिर्दा भी हैं और उस्तानी भी। आपने मेरा गाना सुना था और मास्टर फिरोज साहब से मेरी सिफारिश की थी, ये एहसान मैं कैसे भूल सकता हूँ। एहसान ना जताया करें मास्टर जी, अच्छा नहीं लगता। फिरोज तुमने मेरा उन हालात में साथ दिया कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। ये लो, औरों पर एहसान करके भूल जाना चाहती है और दूसरों के एहसानों को भुलाती नहीं है, ये कहाँ का इंसाफ है? नजर कैसा है फिरोज? ठीक है, घर पे। घर पे क्यों? कहाँ जाएगा, खेल वो सकता नहीं और बाहर निकलता है तो लोग बातें बनाते हैं। लोग तो बात करने से बाज नहीं आते, लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अब हर कोई आपकी तरह आहनी आसाब का तो मालिक होता नहीं है। आइए वकील साहब, आइए जगह दे। शौकत साहब, बेटी जिल्लेहुमा की कस्टडी आपको देने पर रजामंद हो गए हैं। सच? या अल्लाह तेरा शुक्र। मगर उनकी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर शानूर स्टूडियो से आप दस्तबरदार हो जाएं। मैं अपनी बेटी पे ऐसे एक क्या 10 स्टूडियो कुर्बान कर दूं। उसे स्टूडियो चाहिए, ले ले मुझसे स्टूडियो, बस सिर्फ मेरी बच्ची मुझे वापस दे दे। और अगर अल्लाह ने चाहा ना तो अपने बच्चों के लिए और अपने खानदान के लिए इतना कमाऊंगी कि शहजादों की तरह पालूंगी उन्हें। मेरा ख्याल है मैडम एक बार फिर सोच लें, ये बहुत बड़ा फैसला है। ये दिमाग से रही, दिल से महसूस करने की बात है वकील साहब। ठीक है, जैसा बेहतर समझे। तो फिर मैं दूसरे वकील से मिलकर कागजात तैयार करवाता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी बेटी आपके पास होगी। मैं चलता हूँ, ये शरायत है आप इन्हें देख लीजिएगा। मंटो साहब कुर्ते चेक करें। ये तो ठीक है तीनों के तीनों। और आपका दिल बहुत तगड़ा है। और आपका दिमाग, ये क्या क्या भरा हुआ है इसमें मंटो साहब? गम, गुस्सा, झंझलाहट। फिर वो कहानियां कहां से निकलती हैं? इसी दिमाग में से इन सारी रुकावटों को फलांग के आती है कहानियां। डॉक्टर ठीक कह रहा है। मंटो साहब चलो उठो, बताते हैं कहां जा रहे हैं। चले उठे, अभी लाओ बता रहे। आप उठे, चले जाऊंगा। उठे मैं वामित, मुझे नहीं जाऊंगा। मैं
केस कर दूंगा। आप लोग ये नहीं कर सकते। मैं केस कर दूंगा इन्होंने सी एक्ट के खिलाफ। यार अनवर, ये वो मंटो नहीं है जो अस्पताल में दाखिल हुआ था। मंटो किसी के सहारे से चले? नामुमकिन। उन्होंने या तो उसको बहुत हैवी डोज दी है या इलेक्ट्रिक शॉक। ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हैं वो? ऐसा जुल्म वो रोज़ करते हैं। और इलाज है क्या इनके पास गरीबों के लिए? क्या कर दिया हम लोगों ने? मीनू ने इस कैफियत में कभी नहीं देखा, खराब से खराब हालत में भी नहीं। ठीक हो जाएंगे मम्मी जान, कुछ ही देर में वो शॉक्स का इंजेक्शन का भी असर ज़ाहिर हो जाएगा, शराब की तलब भी कम हो जाएगी। बिजली के झटके लगा दिए उन्होंने मेरे साथ। डॉक्टर्स हैं बेहतर? नहीं है वो डॉक्टर्स, जंगली है, वहशी है। देखो उसको तुम, बहुत ज्यादा किया उन्होंने और तुमने भी। मिलेगी सिगरेट? हाँ मांग रहा हूं। शराब नहीं, सिगरेट। मैंने जिंदगी में बहुत झटके सहे। बचपन में सौतेली माँ और बाप के सलूक के झटके, और इंडिया रेडियो में आशिक और राशिद के नस्तर, मुंबई में अशोक श्याम और दोस्तों नफरत के झटके, पाकिस्तान आकर यहाँ आसिदों हरीफों दोस्तों के तीर से इन्हें पैसे मैंने। लेकिन ये बिजली के झटके, ये बाजी बिजली के झटके, ये राग चंद सेकंड की बात नहीं है, सदियों की बात है। लेकिन अब दादा नहीं जी पाऊंगा। अब नौकरी कर लो या जॉब कब कर लो तुम जॉब। कहानियों से क्या घर होते हैं, कितना घर चलाओगी कहानियों से, कितना घर चलाओगी। Thank you.
मैंने कहा था अखबार मत पढ़िए, कुछ नहीं होता आजकल सिवाय बुरी खबरों के। फिर इतना असर लेते हैं आप, छोड़ दीजिए। किसकी? किसकी? किन किन मजलूमों की कहानी लिखेंगे साथ साथ? आप आराम कीजिए, छोड़िए। कागज कलम दो, बाद में लिखिएगा। कागज कलम दो, कहानी लिखनी है इसकी। साथ साथ की कहानी कि लाती थी अपनी कहानी मेरे पास, कि कहानी लिखनी थी। मैं लिख दूं? मेरी नज्म का उन्वान है मंटो। मैंने उसको देखा है उजली उजली सड़कों पर, एक दर्द भरी हैरानी में, फैली फैली भीड़ में, अंधे उंधे कटोरों की तोहयानी में। जब वो खाली बोतल फेंक कर कहता है, दुनिया तेरा हुस्न यही बदसूरती है, दुनिया उसको घूरती है। शोरे सलासिल बन के गूंजने लगता है अंगारों भरी आंखों में, ये तुंद सवाल कौन है जिसने अपनी बहकी बहकी सांसों के जाल पामी समा पर फेंका है। कौन है जो पल खाते जमीरों के पुरपेच धुंधलकों में, रूहों के अफरीद तदों के जहर अंदोज मचलकों में, ले आया है बिन पूछे अपने आप ऐनक के बर्फीले शीशों से, छनती नजरों की चाह। कौन है ये गुस्ताख, आख तड़ाख तड़ाख। हजरात ये हल्के की रिवायत नहीं कि नज्म के बाद तालियां बजाई जाए। हर चीज इतनी महंगी हो गई है मामा जी, आधी चीजें तो मैं खरीद ही नहीं सकी, हालांकि सब जरूरत की चीजें थी। बेटा तुम्हारा हाथ तंग हो गया, महंगाई इतनी नहीं बढ़ी है। मुझे वो कहानियां उन्हें देनी है तो इंतजार कर रहे हैं, हिसाब चुकाना है। अच्छा अच्छा, आपको वो मुआवजा नहीं देंगे मेरे बगैर, आपको याद है आपने अपने सारे हुकूक मुझे दे दिए, मैं साथ चलती हूँ आपके। रुकिए, बाद में वसूली कर लेना, मेरा इंतजार कर रही होगी वो। कौन? मेरी कहानी। साथ साथ मेरी बात सुनिए, साथ साथ अपनी दवा खा के जाइए। मंटो, मेरी कहानी कब लिखोगे मंटो? तुम्हारी कहानियां ही तो लिख रहा हूँ, तुम्हारी, तुम जैसियों की। वो मेरी कहानियां नहीं है, मेरी कहानी अभी लिखी जाने वाली है, अब वक्त नहीं है, लिख डालो मेरी कहानी। क्यों नहीं है? वक्त नहीं है, लिखो मेरी कहानी, लिख डालो मंटो, लिख डालो मेरी कहानी। मंटो नहीं, मंटो मंटो। मुआवजा तो मंटू साहब बेगम साहब को ही मिलेगा, आपने अपने सारे हुकूक उनके हवाले कर दिए, उधार ही मिल जाता थोड़ा सा। उधार क्या, नकद ले जाएं मंटू साहब, भाभी साहब कहें वो आके ले जाएं। अब
एक बोतल चाहिए थी। दीजिए 12 रुपए। सब तो नहीं है, उधार कर लो, बाद में चुका दूंगा। माफ कीजिएगा मंटो साहब, इस धंधे में उधार नहीं। आइए आइए मंटो साहब। कैसी तबीयत है आप? पिछले इतवार क्या इजलास हुआ हल्के का, मजीद साहब ने तो क्या भरपूर नज़म लिखी है आप पर। क्या लाइन थी वो? कौन है ये गुस्ताख, ताख तड़ाख तड़ाख। वो दाद ही इतनी मिली के सारे सदर ने भी तालियां बजा दी थी, मजबूर हो गया था। उधार मिल सकता है? यहाँ तो सब फुकरे बैठे हैं मंटू साहब, उधार यहाँ किसके पास। वैसे मंटू साहब, अचानक क्या जरूरत आन पड़ी? दवा खरीदनी थी मुझे। दवा? अब वो इलाही अपने लोगों में आए थे, आप लोगों ने खाली हाथ बेचकर अच्छा नहीं किया। अरे अहमक, वो शराब खरीदने के लिए रकम मांगने आया था, और शराब उसके लिए जहर कातिल है। एक घूंट भी जहर की तरह उसकी जान ले सकता है। क्या बात है मंटो, सब खैरियत तो है? बहुत जरूरत, कुछ रकम उधार चाहिए। उधार मुझसे? शाम में मिलते हैं, कहाँ से इंतजार कर रही है? बहुत बहुत जरूरत है। किसी से जिक्र नहीं कर। पगली थी ना जो सुबह सवेरे आपके पीछे भागी थी, वो पेट से थी। एक हमदर्द औरत की मदद से एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया, उसे चर्च वाले ले गए। और वो औरत? वो पगली, वो बेचारी नहीं बची। और वो आपसे क्या चाहती थी? तुम क्या हुआ मंटो साहब, जल्दी है अपने पैसे तो बकाया लेते जाएं। हल्का अरबाब ज़ौक जनाब शौकत थानवी साहब तशरीफ ला रहे हैं, अपनी पुरजोश तालियों के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। हमारी खुशकिस्मती है कि आज मुल्क के नामवर अदीब, कॉलम नवीस, ब्रॉडकास्टर, ड्रामा निगार जनाब शौकत थानवी साहब इस पुरजोश तकरीब में शिरकत फरमाने के लिए तशरीफ लाए। अदब और समाजी इस्लाह के लिए इनकी बेपनाह खिदमात के इतराफ के तौर पर। ओए बिल्लू, अंजुमन इस्लाह, ये वही है ना वानवी वाले? इनकी ताज पोजीशन अच्छी नहीं है सर। अच्छी नहीं है? दूसरे स्टूडियो ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं,
फिर मुकदमे बाद या अखबारों में बुरी पब्लिसिटी का भी असर पड़ा है। प्रोड्यूसर्स हमारे पास आते हुए घबराते हैं। कैसे हो सकता है ये? हमारे स्टूडियो जैसा कोई स्टूडियो है इस मुल्क में? ये कैसे हो सकता है कि एक मर्द किरदार औरत के जाने से हमारे स्टूडियो पर ऐसा असर पड़े? बस करो। कल का लिया ठीक है। जेदे जी, मैडम जी, इधर आ। प्राइवेट कॉल कर दे। जी मैडम जी। हाँ, फोन किता है? कार सो गई बच्ची? जी मैडम जी, बिटिया सो गई ने। कल असी बावलपुर जावांगे। बावलपुर? अखू अच्छू नु मिले। प्रिंसिपल का दावतनामा आया है। डायरेक्टर ने कह के डेटा आगे पीछे करा ले। ठीक है मैडम जी। नाजो, देख मैं तेरे लिए दूध लेकर आई हूं। नाजो, क्या देख रही हो? एक दफा चेक कर रही थी। कहाँ कहाँ चेक करूंगी? एक खून भी खतरनाक हो सकता है, डॉक्टर ने कहा। कब तक निगरानी करोगी? मैं तो कहती हूँ छोड़ दो उसे उसके हाल पर और दुआ करो हमें इस आजमाइश से निजात मिले। मामा जी, सादत की जिंदगी की बात हो रही है, इन बच्चों के बाप की, मेरे खावन की बात हो रही है। एक शख्स ने जहरीला सांप पाल रखा था। उसका ख्याल था वो उसका पालतू है, उससे मानूस है, उसे कुछ नहीं करेगा। वो उसे पालता रहा, दूध पिलाता रहा और एक दिन उस बेवफा ने उसे काट खाया। अपना सारा जहर उसके जिस्म में उतार दिया। उस शख्स ने शदीद गुस्से के आलम में उस सांप का मुंह अपने दांतों में चबा कर काट फेंका। कितनी देर कर दी? खाने का भी वक्त हो गया और दवा का भी। असर की तरफ बैठ गया तो थोड़ी देर खाना खा लिया है मैंने। कहानियां दे दी? हाँ, कल तुम चली जाना मुआवजा लेने। क्यों, आप नहीं जाएंगे? तुम अकेली चली जाया करो सफिया। दरवाजा बंद करो, सर्दी बढ़ रही है और मेरे कमरे में कोई ना आए। मुझे बहुत काम करना है। आराम कीजिए साथ साथ। कर लूंगा आराम। जो अदब जदीद का, तरक्की पसंद अदब का, फहोश अदब का या जो कुछ भी है, ये खात्मा कर देना चाहते हैं, तो सही रास्ता ये है कि उन हालात का खात्मा कर दिया जाए जो इस अदब के मुहर्रक है। मुझ में जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां। मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं,
जिसको मेरे नाम से मंसूब किया जाता है। मैं तहजीब व तमद्दुन और सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं ऐसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए कि ये मेरा काम नहीं दर्जियों का है। लोग मुझे स्याह कलम कहते हैं, लेकिन मैं तख्ता स्याह पर काली चौक से नहीं लिखता, सफेद चौक इस्तेमाल करता हूं, ताकि तख्ता स्याह की स्याही और नुमाया हो जाए। यहां सादत हसन मंटो दफन है, उसके सीने में फन्ने अफसाना निगारी के तमाम असरार व रमूज दफन है। वो अब भी मनो मिट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है। मैं मंटो। मैंने उसको देखा है उजली उजली सड़कों पर, एक गर्द भरी हैरानी में फैलती भीड़ के औंधे औंधे कटोरों की तुगयानी में। जब वो खाली बोतल फेंक के कहता है दुनिया दुनिया दुनिया, तेरा हुस्न यही बदसूरती है, दुनिया इसको घूरती है, शोर सलासल बनकर गूंजने लगता है। अंगारों भरी आंखों में ये तुंद सवाल, कौन है ये जिसने अपनी बहकी बहकी सांसों का जाल बामे ज़मां पर फेंका है। कौन है जो बल खाते ज़मीरों के पुरपेच धुंधलकों में, रूहों के अफरीत कदों के जहर अंदोज महलकों में ले आया है, यूं बिन पूछे अपने आप ऐनक के बर्फीले शीशों से छनती नजरों की चाप। कौन है ये गुस्ताख